Moving to the biochemistry, amino acids. अब तक हमने कुछ amino acids discuss किए हैं. Mainly we talked about the amino acid classification and we classified the amino acids in mainly three categories. That is non-polar amino acid, polar uncharged. And polar charged. So these are the three categories. हमने non polar amino acids के बारे में discuss किया है. Non polar amino acids में आते हैं amino acids, mainly glycine, alanine, valine, leucine, isoleucine, methionine, phenylalanine, tryptophan. And proline. So these are the amino acids. Approximately 9 amino acids are non-polar amino acids. जो कि हमने already last lecture में discuss किए हैं. Polar uncharged, जिसमें आते हैं mainly aspargine, glutamine, serine, threonine, cysteine. So these are the polar uncharged, and these amino acids और एक है tyrosine. So these polar amino acids we discussed. इसमें से I think सिर्फ बाकी है हमारा discuss करने का glutamine. Glutamine बाकी है. और polar charged amino acids aspartic acid, से capital D से designate किया जाता है. Glutamic acid capital E से designate किया जाता है. Lysine कैपिटल के, आर्जिनिन कैपिटल आर एंड हिस्टिडिन. तो दीज आर फाइव पोलार चार्ज अमीनो एसिड्स. इसमें से हमने एस्पार्टिक एसिड भी डिस्कस कर लिया है, बाकी चार डिस्कस करने के हैं और इसमें से एक बाकी है, दैट इज ग्लूटामिन. तो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस फाइव अमीनो एसिड्स. फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे ग्लूटामिक एसिड, जो कि एसिडिक अमीनो एसिड है. Let's discuss about glutamic acid. Glutamic acid is non-essential acidic amino acid having the structure like this. जैसे हमने कल aspartic acid discuss किया था, उसके structure में CH2 के बाद और एक carboxyl group आता था, लेकिन यहाँ पर और एक CH2 है और एक side chain carboxyl. तो यहाँ पर जो कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, दिस इज द अल्फा कार्बन, द बीटा कार्बन, दिस इज द गामा कार्बन. तो गामा कार्बन के साथ साइड चेन में कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है. ये एक अमीनो एसिड है जो नॉन एसेंशियल है और pH 7 पर इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम ग्लूटामेट कहते हैं. 3-letter code GLU. ग्लूटामेट के दौरान जनरली ज़्यादा फोर्सफुली हम प्रोनाउंस करते ई को, दैट्स वाई सिंगल लेटर कोड इज ई. ग्लूटामेट इज द सिंगल लेटर कोड फॉर दिस अमीनो एसिड. ग्लूटामेट इज नॉन एसेंशियल फॉर अस बिकॉज वी कैन सिंथेसाइज. ग्लूटामेट का ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन किया जाए, ग्लूटामेट का डीएमिनेशन करने पर, डीएमिनेशन हमने कल भी किया था कुछ अमीनो एसिड्स का. अब ग्लूटामेट का डीएमिनेशन करे तो क्या बनेगा? दिस इज अ स्ट्रक्चर फॉर्म्ड हैविंग 5 carbon इन इट एंड 2 carboxyl ग्रुप इन इट. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा कीटो ग्लूटरेट. ग्लूटामेट तो एक अमीनो एसिड है और अमीनो एसिड का डीएमिनेशन करने पर जो बनते हैं, दीज आर कॉल्ड एज कीटो एसिड्स. What is the keto acid formed from the deamination of glutamate? That is alpha keto glutarate. आपने नाम सुना होगा alpha keto glutarate का, जो कि एक TCA cycle का intermediate है. It is the intermediate of TCA cycle. और generally ये alpha keto glutarate का amination करे, amino group attach करे, amination करे, alpha keto glutarate का amination करने पर
ग्लूटामेट बन जाता है। अमीनेशन करने पर ग्लूटामेट, और ग्लूटामेट का डीअमीनेशन करने पर अल्फा कीटो ग्लूटरेट बन जाता है। ठीक, तो दिस इज अबाउट द डीअमीनेशन एंड अमीनेशन। तो अल्फा कीटो ग्लूटरेट इज द प्रिकर्सर, हम कह सकते हैं ग्लूटामेट का प्रिकर्सर अल्फा कीटो ग्लूटरेट है। ओके, इफ यू सी एट pH 7 अल्फा, सॉरी ग्लूटामेट को देखे pH 7 पर, इस पर चार्ज क्या होता है? -1, क्योंकि इसके दोनों के दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप pH 7 पर डीप्रोटोनेटेड होते हैं। इट कैरी नेट चार्ज निगेटिव। ग्लूटामेट ऐसा अमीन एसिड है जो pH 7 पर निगेटिव चार्ज लाता है, लाइक एस्पार्टिक एसिड। तो ग्लूटामेट कॉन्ट्रीब्यूट माइनस चार्ज टू प्रोटीन एट pH 7। तो क्योंकि प्रोटीन निगेटिवली चार्ज है pH 7 पर, इसका मतलब उसमें या तो एस्पार्टिक एसिड ज़्यादा है या तो ग्लूटामिक एसिड ज़्यादा है, या दोनों ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसा प्रोटीन जिस पर चार्ज pH 7 पर निगेटिव आ रहा हो, दिस प्रोटीन इज नोन एज एसिडिक प्रोटीन। क्यों एसिडिक प्रोटीन कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें एसिडिक अमीनो एसिड ज़्यादा होते हैं, रिच इन एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज एसिडिक प्रोटीन। हमने कल भी डिस्कस किया था एसिडिक प्रोटीन्स। एसिडिक प्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन जिस पर चार्ज निगेटिव हो, उन्हें इलेक्ट्रोफोरेज करे, इनका मूवमेंट करे इलेक्ट्रोफोरेटिक फील्ड में, तो किसकी ओर मूव करते हैं? कौन से इलेक्ट्रोड की ओर? एनोड की ओर, एट pH 7। तो एसिडिक प्रोटीन्स एट pH 7 माइग्रेट टूवर्ड द एनोड बिकॉज दे कैरी निगेटिव चार्ज। एनोड के पास क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। ग्लूटामिक एसिड इट इज हैविंग निगेटिव चार्ज ऑन इट, एंड इफ यू सी ग्लूटामिक एसिड हैज 3 मेनली डिसोसिएबल ग्रुप्स, 3 डिसोसिएबल ग्रुप्स हैं। इसमें एक डिसोसिएबल ग्रुप है अल्फा अमीनो ग्रुप, अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड आर साइड चेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। हम इन तीनों के पीके वैल्यूज देखें। अब पीके वैल्यू इसका है 9.8, इसका है 2.6 और इसका है 4.3। एसिडिटी ऑर्डर आप बता सकते हैं कौन कितना एसिडिक है। वी नो दैट पीके इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, या सिंपली पीके इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अ डीप्रोटोनेशन कैपेसिटी। डीप्रोटोनेशन कैपेसिटी, कौन फास्टली प्रोटॉन दे सकता है वो ज़्यादा एसिडिक होगा। जो प्रोटॉन ज़्यादा फास्टली दे सकता है वो ज़्यादा एसिडिक होगा, और फास्टली जो प्रोटॉन देगा वो स्ट्रांग एसिड होगा, उसका पीके कम होगा। तो जिसका सबसे कम पीके है वो मोस्ट एसिडिक ग्रुप होगा। इसका मतलब यहाँ पर अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज हाईली एसिडिक, उसके बाद आर साइड चेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक है, और लीस्ट एसिड तो ऑब्वियसली अल्फा अमीनो ग्रुप है। तो दिस इज द एसिडिटी ऑर्डर। ओके, हमने कहा था कि पीके वैल्यूज टाइट्रेशन कर्व से कैलकुलेट किए जाते हैं। पीके वैल्यूज आर कैलकुलेटेड बाय यूजिंग टाइट्रेशन कर्व। वी विल डिस्कस अबाउट द टाइट्रेशन कर्व, बट बिफोर दैट हमने इनिशियल लेक्चर्स में ये भी कहा था कि बेसिकली जितने पीके वैल्यूज होते हैं उतने अलग अलग पीएच रेंज में वह कंपाउंड बफरिंग कर सकता है। सो ग्लूटामेट कैन वर्क लाइक अ बफर इन डिफरेंट रेंजेस लाइक 1.6 to 3.6। ये किसकी वजह से बफरिंग हो रही होगी फिर? कौन से ग्रुप की वजह से? अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से बफरिंग होती हो तो ये कौन से रेंज ऑफ पीएच में होगी? 1.6 से लेकर 3.6। क्या हमें पता है बफर्स दे वर्क बेटर 1 pH अबोव द पीके वैल्यू एंड लेस 1 pH बिलो द पीके। इसका यूज कर कर भी बफरिंग किस रेंज में की जा सकती है? 3.3 से लेकर 5.3, और इसका यूज कर कर 8.8 से लेकर 10.8। सो नन ऑफ दीज थ्री ग्रुप्स शो बफरिंग इन द रेंज ऑफ 7 pH और फिजियोलॉजिकल pH। इसका मतलब ए बी अमीनो एसिड ऐसा है जो कि बफरिंग 7 या फिजियोलॉजिकल pH पर कर नहीं सकता।
अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, हमने कहा कि अमीनो एसिड जब भी प्रोटीन में इन्वॉल्व होते हैं तब उनका अल्फा अमीनो ग्रुप काम में आता है ना अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप काम में आता है, फॉर एनी पर्पस, किसी भी काम के लिए ना अल्फा अमीनो ग्रुप काम का है ना अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप काम का है, क्योंकि प्रोटीन के पेप्टाइड बॉन्ड में इन्वॉल्व हो जाते हैं। दे डू नॉट शो बफरिंग, दे डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट चार्ज एनीथिंग। अमीनो एसिड जब प्रोटीन में इन्वॉल्व होते हैं तो कौन सा ग्रुप एक्चुअली बफरिंग का या चार्ज कॉन्ट्रीब्यूट करने का काम करेगा? आर साइड चेन। तो आर साइड चेन किस रेंज में बफरिंग कर सकते हैं ग्लूटामेट की? 3.3 से लेकर 5.0। तो कोई एंजाइम है, एंजाइम के एक्टिव साइट पर हमें ऑप्टिमम पीएच चाहिए अराउंड 5। इस एंजाइम का ऑप्टिमम पीएच क्या है? 5। तो इस एंजाइम के आसपास ही आया माइक, मेनली इसके एक्टिव साइट में पीएच 5 मेंटेन रहना जरूरी है। तो यहाँ पर बफरिंग का काम किसे दिया जा सकता है? विच इज द अमीनो एसिड विच प्रोबेबली वर्क लाइक ए बफर एट दिस साइड? ऑब्वियसली ग्लूटामेट। या इससे उल्टा हम सोच सकते हैं, किसी एंजाइम के एक्टिव साइट में ग्लूटामेट बफरिंग का काम कर रहा हो तो इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा? कंक्लूजन ये निकलेगा कि प्रोबेबली दिस एंजाइम हैज पीएच ऑप्टिमा एसिडिक, ग्लूटामेट बफरिंग के तौर पर काम करता हो तो पीएच ऑप्टिमा एसिडिक रहेगा, दैट इज लेस देन 7 रहेगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द ग्लूटामेट। व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लूटामेट? ग्लूटामेट एक प्रिकर्सर है बहुत सारे कंपाउंड्स के लिए। ग्लूटामेट एक पैरेंटल अमीनो एसिड है कुछ अमीनो एसिड्स के लिए, सभी अमीनो एसिड के लिए तो आलैनिन पैरेंटल अमीनो एसिड है, लेकिन कुछ अमीनो एसिड्स ग्लूटामेट से बनाए जा सकते हैं, जैसे ग्लूटामिन हम बना सकते हैं बाय यूजिंग ग्लूटामेट, हम बना सकते हैं आर्जिनिन बाय यूजिंग ग्लूटामेट, हम बना सकते हैं मिथियोनिन, और वी कैन सिंथेसाइज, वी मीन्स हेयर ऑर्गेनिजम्स नॉट ह्यूमंस, एंड वी कैन सिंथेसाइज द प्रोलिन। तो ये चार अमीनो एसिड्स हम ग्लूटामेट से ऑप्टेन कर सकते हैं। ठीक है, सो ग्लूटामेट से ऑप्टेन किए जाने वाले अमीनो एसिड। इसके अलावा आइसोल्यूसिन भी बनाया जा सकता है फ्रॉम द ग्लूटामेट। तो दीज आर द अमीनो एसिड्स ऑप्टेन। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था ग्लूटामेट का और एक फंक्शन है, ग्लूटामेट वर्क लाइक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन, और मेनली मेमोरी स्टोरेज के लिए यही रेस्पॉन्सिबल होता है ग्लूटामेट, अमाउंट ऑफ ग्लूटामेट इन द, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ग्लूटामेट। नाउ मूविंग टू द अमाइड ऑफ अ ग्लूटामेट। अमाइड ऑफ एस्पार्टिक एसिड तो हमने कल डिस्कस कर लिया था। ग्लूटामेट का अमाइड मीन्स, ये तो स्ट्रक्चर पहले आपको ग्लूटामेट का ही ड्रॉ करना पड़ेगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूटामेट। इसके साथ कार्बोक्सिल ग्रुप था उसको हटा दिया गया और एक अमीनो ग्रुप लाकर अटैच कर दिया गया। जो साइड चेन कार्बोक्सिल ग्रुप था गामा कार्बोक्सिल ग्रुप, उसको हटाकर या उसको अटैच किया गया है अमीनो ग्रुप को। दिस इज द अमाइड अटैच टू हुम? ग्लूटामेट। तो हम इसे क्या कहेंगे? अमाइड ऑफ द अमाइड ऑफ ग्लूटामेट। ग्लूटामेट का जो अमाइड होता है इसका नाम है ग्लूटामीन। द अमाइड ऑफ ग्लूटामेट इज कॉल्ड एज ग्लूटामीन, जिसे सिंगल लेटर सॉरी थ्री लेटर कोड GLN दिया गया है, GLN, और सिंगल लेटर कोड प्रोनाउंसिएशन के दौरान इसे क्यूटामिन प्रोनाउंस किया जाता है, क्विटामिन। दिस इज नॉट अ ग्लूटामिन, हम कहते समय तो ग्लूटामिन कहेंगे लेकिन प्रोनाउंस करते समय क्विटामिन करना है, ताकि याद रहे क्विटामिन का क्यू पहले आता है, दैट्स व्हाई द सिंगल लेटर कोड इज क्यू। ग्लूटामिन भी एक नॉन इसेंशियल पोलार अनचार्ज्ड अमीनो एसिड है। हम ग्लूटामिन बना सकते हैं क्योंकि ग्लूटामेट हम बना सकते हैं, ग्लूटामेट से ग्लूटामिन बहुत इजीली बन जाएगा अमाइनेशन करने पर। ग्लूटामिन एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है जो कि पोलार है, और इसका एक ही इंपॉर्टेंट रोल है मेनली जो हमने डिस्कस किया था, इट इज अ ट्रांसपोर्ट फॉर्म
नाइट्रोजन वेस्ट, क्या है नाइट्रोजन वेस्ट? अमोनिया। अमोनिया को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा मेनली, किसी के लिए वेस्ट हो सकता है अमोनिया, किसी के लिए सब्सटेट हो सकता है। मेनली प्लांट्स में एस्पार्जिन और ग्लूटामिन, और एनिमल्स में भी एलानिन ग्लूटामिन, ये ट्रांसपोर्ट करते थे अमोनिया का। तो ग्लूटामिन इज अ ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ अमोनिया इन एनिमल्स एज अ वेस्ट। प्लांट्स में भी ये अमोनिया को ट्रांसपोर्ट करेगा, लेकिन एज अ रिसोर्स, एज अ प्रिकर्सर फॉर सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ट्रांसपोर्ट ऑफ, ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट और अमोनिया, ये ऐसा अमीनो एसिड है जो ट्रांसपोर्ट फॉर्म का काम करेगा दोनों में, एनिमल्स में भी काम करेगा और प्लांट्स में भी काम करेगा। इट वर्क इन बोथ एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स। मेनली एनिमल्स में देखा जाए तो नॉन मसल सेल्स जो होते हैं, नॉन मसल सेल्स, क्योंकि मसल सेल में तो एलेनिन काम करता है, कल हमने कोरी साइकिल डिस्कस की थी। नॉन मसल सेल से लेकर लीवर तक अमोनिया ट्रांसपोर्ट करने का काम मेनली ग्लूटामिन करता है, और मसल से एलेनिन काम करता है। ठीक है, ग्लूटामिन इज अ सेंट्रल नाइट्रोजन डोनर, क्योंकि इसको नाइट्रोजन का लेन देन करने के लिए रखा गया है, तो ये सेंट्रल नाइट्रोजन डोनर है। सेंट्रल नाइट्रोजन डोनर फॉर सिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिडिनस। जब कभी हम कीटो एसिड से नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बनाना चाहते हैं, जैसे अल्फा कीटो ग्लूटरेट से आप ग्लूटामेट बनाना चाहते हो, पायरुवेट से एलानिन बनाना चाहते हो, ऑक्सलोएस्टेट से एस्पार्टेट बनाना चाहते हो, तब अमीनो ग्रुप देने का काम कौन करेगा? ग्लूटामिन ही करेगा। सो ग्लूटामिन इज अ सेंट्रल नाइट्रोजन डोनर फॉर सिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, एज वेल एज इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रिकर्सर फॉर सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस। नाइट्रोजिनस बेसिस में भी मेनली आर साइड चेन का जो अमीनो ग्रुप है, अमाइड नाइट्रोजन, अमाइड नाइट्रोजन नाइट्रोजिनस बेसिस में एज ए नाइट्रोजन सोर्स के तौर पर यूज किया जाता है। विच नाइट्रोजन? ग्लूटामिन का कौन सा नाइट्रोजन यूज किया जा रहा है नाइट्रोजन सिंथेसिस, नाइट्रोजन बेस सिंथेसिस? अमाइड नाइट्रोजन। दिस नाइट्रोजन इज नॉट यूज्ड। हम इस नाइट्रोजन को लेबल करें तो ये थोड़ी नाइट्रोजिनस बेसिस में दिखेगा। किस अमीनो ग्रुप को लेबल करने पर नाइट्रोजिनस बेसिस लेबल किए जा सकते हैं ग्लूटामिन के? कौन सा नाइट्रोजन लेबल किया जाए तो नाइट्रोजिनस बेस लेबल हो जाएगा? कौन सा अमीनो ग्रुप? साइड चेन अमीनो ग्रुप। दिस अमीनो ग्रुप इफ इट इज लेबल्ड, देन एंड देन नाइट्रोजिनस बेस कैन बी लेबल्ड बिकॉज इट इज यूटिलाइज फॉर सिंथेसिस। ठीक है, सो दीज आर दी फंक्शंस ऑफ ग्लूटामिन। मूविंग टू द बेसिक अमीनो एसिड्स, नेक्स्ट ग्रुप है बेसिक अमीनो एसिड। अब तक हमने एसिडिक अमीनो एसिड और उनके अमाइड्स डिस्कस किए। ओके, हमने कहा था बेसिक अमीनो एसिड तीन है, देयर आर थ्री बेसिक अमीनो एसिड्स जिनके नाम लाइसिन, आर्जिनिन। तो कहने के लिए तो हम हिस्टिडिन को बेस कहते हैं, लेकिन ये बहुत ही वीक बेस है। लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडिन। लाइसिन हैज अ इप्सिलॉन अमीनो ग्रुप, दैट्स व्हाई इट इज बेसिक। इप्सिलॉन कार्बन के साथ एक अमीनो ग्रुप होता है, इसकी वजह से ये बेसिक होता है। आर्जिनिन के पास गुआनिडिनो ग्रुप होता है, उसकी वजह से ये बेसिक होता है, इज हैविंग गुआनिडिनो ग्रुप। और हिस्टिडिन के पास इमिडाजोल साइड चेन होती है, दैट्स व्हाई इट इज बेसिक। हम इनके बेसिसिटी के बारे में डिस्कस करें। बेसिसिटी में सबसे लेट प्रोटॉन देने की कैपेसिटी, प्रोटॉन पकड़कर रखने की एबिलिटी, बेसिसिटी इज नथिंग बट एबिलिटी टू होल्ड प्रोटॉन या एबिलिटी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। जितनी ज़्यादा एबिलिटी होगी प्रोटॉन को होल्ड कर रखने की,
बेसिसिटी। सबसे ज्यादा बेसिक अमीनो एसिड कौन सा है? आर्जिनिन, उससे कम है लाइसिन, और सबसे वीक बेसिक अमीनो एसिड है हिस्टिडिन। दिस इज द बेसिसिटी ऑर्डर, इनकी ये बेसिसिटी ऑर्डर है। ठीक है, तो उसमें से हम फर्स्ट अमीनो एसिड इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। तीन अमीनो एसिड है बेसिक, लाइसिन, अर्जिनिन, हिस्टिडिन। सबसे ज्यादा बेसिक आर्जिनिन, सबसे कम बेसिक लाइसिन, सबसे कम बेसिक जिसको इन जनरल बेस कहा जाता है, बट एक्चुअली इट इज वेरी वीक बेस, दैट इज अ हिस्टिडिन। तीनों अमीनो एसिड्स के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। नाउ मूविंग टू द लाइसिन। लाइसिन अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर हम देखें, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। किसी भी अमीनो एसिड में ये तो स्ट्रक्चर कॉमन ही है, इज द कॉमन स्ट्रक्चर। रही बात अब साइड चेन की, साइड चेन में एक CH2 होता है और एक CH2 होता है और एक CH2 होता है और एक CH2 है और उसके बाद NH3+ है। इन CH2s को नाम दे तो ये हुआ अल्फा, ये हुआ बीटा, ये हुआ गामा, ये हुआ डेल्टा और ये क्या है, इप्सिलॉन। तो लाइसिन में अमीनो ग्रुप है साइड चेन में, आर साइड चेन कैरी अमीनो ग्रुप विच इज अटैच्ड टू विच कार्बन, इप्सिलॉन कार्बन। अब इप्सिलॉन कार्बन के साथ अमीनो ग्रुप अटैच है तो हम इसे कहेंगे इप्सिलॉन अमीनो ग्रुप। ये का अल्फा कार्बन के साथ अटैच था तो इसे अल्फा अमीनो ग्रुप। ये कार्बोक्सिल ग्रुप अल्फा कार्बन के साथ अटैच है तो इसे अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये तो हम इन जनरल कहते हैं ना, इन जनरल लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस। ठीक है, तो लाइसिन एक हमारे लिए, लाइसिन को हम नाम देते लाइस LYS, या अब लाइसिन को नोमेनक्लेट करते समय सिंगल लेटर से LYS में L की स्टार्टिंग है तो L तो ऑलरेडी हमने लिव के लिए यूज किया है। लाइसिन का प्रोनाउंसिएशन कर कर भी देखे तो लाइसिन किस पर ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है, वाई पर। वाई भी हमने ऑलरेडी यूज किया है टायरोसिन को, और एक लॉजिक लगाया गया, चलो लाइसिन के आसपास L, L के आसपास कौन होता है, के, तो के से डेसिग्नेट करें। तो ये तो किसी पर्टिकुलर पर्सन का लॉजिक है जिन्होंने रूल बना कर दिया, जैसे मैंने कल भी कहा। तो ये तो हमें याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा ये के। तो के इज आर सिंगल लेटर कोड फॉर लाइसिन। लाइसिन एक हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए हम बात कर रहे हैं, इसेंशियल चार्ज्ड पोलर अमीनो एसिड है। इसेंशियल चार्ज पोलर अमीनो एसिड है, इट इज बेसिक। हम देखें एट pH 7, इस पर नेट चार्ज आ रहा है +1, इट इज हैविंग नेट चार्ज +1। pH 7 पर ये प्लस चार्ज कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, इस पर खुद पर चार्ज क्या है, प्लस है। एज एट pH 7 इट इज हैविंग प्लस चार्ज, तो ये प्रोटीन में भी pH 7 पर कौन सा चार्ज कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, पॉजिटिव चार्ज। तो किसी प्रोटीन में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है pH 7 पर तो प्रोबेबली दैट प्रोटीन इज रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन। ओके, जैसे हमने कहा था कि नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा तो उस प्रोटीन में एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड ज्यादा होते हैं, और जब लाइसिन ज्यादा आता हो तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस प्रोटीन को pH 7 पर जिस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उस प्रोटीन को हम कहते हैं बेसिक प्रोटीन, इट इज कॉल्ड एज बेसिक प्रोटीन। मोर इज द पॉजिटिव चार्ज, मोर इज द बेसिसिटी। बेसिक प्रोटीन का इलेक्ट्रोफोरेसिस करें तो ये किस इलेक्ट्रोड की ओर भागेंगे एट pH 7, कैथोड, जो एक खुद निगेटिवली चार्ज है, इट सेल्फ इट इज अ निगेटिवली चार्ज। क्लियर, बेसिक प्रोटीन pH 7 पर माइग्रेट करवाए तो ये पॉजिटिव चार्ज होने के कारण निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेंगे, दैट इज नेम्ड एज कैथोड। ओके, और बेसिक प्रोटीन का नाम बेसिक क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें बेसिक अमीनो एसिड ज्यादा होते हैं, इस पर चार्ज होता है पॉजिटिव। लाइसिन के पास तीन डिसोसिएबल ग्रुप्स हैं, अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अल्फा अमीनो ग्रुप एंड इप्सिलॉन अमीनो ग्रुप। इस प्रकार के तीन डिसोसिएबल ग्रुप्स हैं, इनके पीके वैल्यूज हम देखें, पीके वैल्यूज अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वापस 2.7 के आसपास,
अल्फा अमीनो ग्रुप 9.6 के आसपास और अल्फा सॉरी इप्सिलॉन अमीनो ग्रुप 10.5 के आसपास। इफ यू सी द बेसिसिटी ऑर्डर, बेसिसिटी ऑर्डर क्या है, व्हाट इज द बेसिसिटी ऑर्डर फॉर देम, सबसे ज्यादा बेसिक कौन, जिसका पीके सबसे ज्यादा होगा। इप्सिलॉन अमीनो ग्रुप इज हाईली बेसिक, अल्फा अमीनो ग्रुप के बाद थोड़ा सा कम बेसिक वाला है, और लिस्ट बेसिसिटी अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप की होती है। सबसे जल्दी प्रोटॉन देगा कौन, या लो पीएच पर डिप्रोटोनेट कौन हो रहा है, अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उसके आगे वाले पीएच पर अल्फा अमीनो ग्रुप, और सबसे आखिरी में डिप्रोटोनेशन किसका होगा, साइड चेन का। तो इसके पास तीन पीके वैल्यूज है, तो ये कौन से रेंज में बफरिंग कर सकता है, 1.7 से लेकर 3.7, 8.6 से लेकर 10.6, 9.5 से लेकर 11.5। तो हम देखें इसमें भी फिजियोलॉजिकल पीएच पर बफरिंग का काम करने की एबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट थिंग, प्रोटीन में जब कभी लाइसिन आएगा, प्रोटीन में लाइसिन आएगा तो सिर्फ और सिर्फ इसका इप्सिलॉन अमीनो ग्रुप ही फ्री होगा, अल्फा अमीनो ग्रुप और अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो पेप्टाइड बॉन्ड में एंगेज हो जाएंगे। तो आप जो बफरिंग की कैपेसिटी रहेगी किसके कारण रहेगी, सिर्फ और सिर्फ इप्सिलॉन अमीनो ग्रुप के कारण। इप्सिलॉन अमीनो ग्रुप किस रेंज में बफरिंग कर सकता है, 9.5 to 10.5। ओके, तो प्रोटीन में लाइसिन किस रेंज में बफर का काम कर सकता है, दैट इज फ्रॉम 9.5 to 10.5, दैट इज इन बेसिक एरिया और बेसिक वैल्यूज। कोई एंजाइम है, एंजाइम के एक्टिव साइट में लाइसिन आ रहा है, तो प्रोबेबली इस एंजाइम के एक्टिव साइट के आसपास चार्ज या पीएच क्या है मेंटेन कर कर रखने की कोशिश करेगा ये। व्हाट वुड बी द पीएच मेंटेन, दैट इज बेसिक पीएच मोर देन 7। ऐसा एंजाइम जिसके एक्टिव साइट में ऑप्टिमम पीएच चाहिए 8, 9 या 10, तो उस एंजाइम ने किसको बफरिंग का काम देना चाहिए, लाइसिन को या आर्जिनिन। ठीक है, तो एंजाइम्स इन विच हुज एक्टिव साइट द अमीनो एसिड लाइसिन इज प्रेजेंट, हम कह सकते हैं कि प्रोबेबली इट्स पीएच ऑप्टिमा इज मोर देन 7, तो पीएच ऑप्टिमा बेसिक है। जैसे एस्पार्टिक एसिड ग्लूटामिक एसिड आने पर एसिडिक, बेसिक अमीनो एसिड आने पर बेसिक। क्लियर, दिस इज अबाउट द लाइसिन। लाइसिन इज वन ऑफ द अमीनो एसिड, व्हेन इट इज इन द प्रोटीन इट एक्ट लाइक अ साइट फॉर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन नोन एज पॉलीयुबिक्यूटिनेशन। लाइसिन पर पॉलीयुबिक्यूटिनेशन किया जा सकता है, मेनली लाइसिन का जो अमीनो ग्रुप होता है इप्सिलॉन अमीनो ग्रुप प्रोटीन में, इसके साथ एक कोई प्रोटीन आएगा और उसके कार्बोक्सिल एंड से इंटरैक्ट करना स्टार्ट करेगा। ये किसके साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनाया जा रहा है, लाइसिन के साइड चेन के साथ। ठीक है, कोई प्रोटीन है जिसका नाम यूबीक्यूटीन है, यूबीक्यूटीन प्रोटीन आया और लाइसिन के साइड चेन के साथ जो अमीनो ग्रुप है उसके साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनाया। हम आगे डिस्कस करेंगे ऐसा पेप्टाइड बॉन्ड जो अल्फा अमीनो ग्रुप और अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप में बने, उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। बट किसी और साइट पर पेप्टाइड बॉन्ड बनाया जा रहा है प्रोटीन में या अमीनो एसिड में, तो इसे आइसो पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। आइसो मींस यहां पर या तो अल्फा अमीनो ग्रुप नहीं है या तो अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप, कोई एक दूसरा है, कौन है यहाँ पे, इप्सिलॉन अमीनो ग्रुप, दैट्स व्हाट इज आइसो पेप्टाइड बॉन्ड। सो पॉलीयुबिक्यूटिनेशन के दौरान लाइसिन पर आइसो पेप्टाइड बॉन्ड से यूबीक्यूटीन की प्रोटीन और चेन ऐड की जाती है। ओनली एक यूबीक्यूटीन नहीं तो और यूबीक्यूटीन आया, दूसरा यूबीक्यूटीन आया, तीसरा यूबीक्यूटीन आया, चौथा, इस प्रकार से मल्टीपल यूबीक्यूटीन अमीनो प्रोटीन्स यहाँ पर आकर बाइंड होंगे। पॉलीयुबिक्यूटिनेशन इज अ टैग फॉर डिग्रेडेशन। यूकैरियोट्स में जब कोई प्रोटीन नॉन फंक्शनल बन जाता है तो उसे टैग लगाकर छोड़ दिया जाता है कि चलो इसे डिग्रेड करो। समझ में आना चाहिए कि कौन सा प्रोटीन नॉर्मल है, कौन सा प्रोटीन काम का नहीं है, तो इसलिए उसे टैग लगाया जा रहा है। वन ऑफ द टैग इज पॉलीयुबिक्यूटीन चेन।
और इस टैग को कुछ प्रोटीएज एंजाइम प्रोटियाजोम कॉम्प्लेक्सेस रिकॉग्नाइज करेंगे और इस प्रोटीन को डिग्रेड करेंगे. पॉलीग्लुटामेशन मेनली आकर ऑन द लाइसिन, बट रिमेंबर इट इज नॉट ओनली द प्लेस. प्रोटीन पर पॉलीग्लुटामेशन सेरीन पर हो सकता है या थ्रियोनिन पर भी हो सकता है. और जब कभी पॉलीग्लुटामेशन सेरीन थ्रियोनिन पर होगा, ये होगा ईस्टर बॉन्ड से. प्रोटीन पर पॉलीग्लुटामेशन सिस्टीन अमीनो एसिड पर भी हो सकता है, एस एस साइड चेन के साथ. और जब कभी पॉलीग्लुटामेशन सिस्टीन के साथ होगा तो ये होगा थायो ईथर बॉन्ड से, थायो ईथर बॉन्ड से. तो सिस्टीन के सिवाय पॉलीग्लुटामेशन कैन बी डन इन द अमीनो टर्मिनस ऑफ द प्रोटीन. यूबिक्विटिन चेन प्रोटीन के अमीनो टर्मिनस पर भी अटैच की जा सकती है बाय पेप्टाइड बॉन्ड. पॉलीग्लुटामेशन के क्या क्या साइट्स हैं? मेनली डाकर्स ऑन लाइसिन साइड चेन. इट मे आकर ऑन द सेरीन, आकर ऑन द थ्रियोनिन, इट मे आकर ऑन द सिस्टीन, और इट मे बी डन ऑन द अमीनो टर्मिनस प्रोटीन. क्लियर है? इतने सारे साइट्स है पॉलीग्लुटामेशन. हम लाइसिन का टाइट्रेशन कर डिस्कस करें क्योंकि इसके पास तीन पीके वैल्यूज हैं जो भी हमने अभी यहाँ पर नोट डाउन की थी. मान लीजिए टाइट्रेशन कर तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ये मान लीजिए लाइसिन है जिसको हमने पीएच जीरो पर रखा है. पीएच जीरो पर लाइसिन पर चार्ज क्या होगा? चार्ज क्या होगा पीएच जीरो पर? प्लस टू. स्ट्रक्चर किस प्रकार का है पीएच जीरो पर? इस प्रकार का. बस यहां पर भी लिख सकते एनएच थ्री प्लस, ये स्ट्रक्चर रहेगा ना. तो इस पर चार्ज क्या है? यहां से प्लस आ रहा है, यहां से प्लस आ रहा है, दैट्स अ प्लस टू. हम टाइट्रेशन कर कर पीएच बढ़ा दे. मान लीजिए पीएच हमने किया अब टू के आसपास. तो पहले डी प्रोटोनेशन किसका होगा? पहले तो डी प्रोटोनेट कौन होना स्टार्ट करेगा? जिसका पीके सबसे कम है, जो मोर एसिडिक है. डी प्रोटोनेशन किसका होगा? अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का. एक पर्टिकुलर पीएच आकर तो पर्टिकुलर पीएच पर ये फॉर्म आनी स्टार्ट होगी. जैसे जैसे पीएच बढ़ाएंगे ये फॉर्म बढ़ती जाएगी. और हमने पीएच 2.7 के आसपास किया तो पता चला कि ये फॉर्म 50% है और ये फॉर्म 50%, ये फॉर्म 50% आ रही है और ये फॉर्म 50% आ रही है. किस पीएच पर हो रहा है ये? दिस इज एट पीएच 2.7 के आसपास. दिस इज द पीएच नोन एज पीके ऑफ अ कार्बोक्सिल ग्रुप विच इज प्रेजेंट इन द लाइसिन. ठीक है. इस पीएच पर चार्ज क्या होगा नेट चार्ज सोल्यूशन पर? इस पीएच पर नेट चार्ज सॉल्यूशन पर क्या होगा? यहां से तो चार्ज क्या आ रहा है? यहां से चार्ज क्या आ रहा है? ये 50% है, ये 50% है ना. यहां से चार्ज आ रहा था प्लस टू, यहां से चार्ज क्या आ रहा है? प्लस वन. दोनों 50-50 है तो इसका मतलब चार्ज दोनों का एवरेज रहेगा प्लस 1.5. दोनों 50-50 है इसके कारण. क्लियर? अब इसके आगे पीएच बढ़ाएंगे तो ये फॉर्म एक पर्टिकुलर पीएच पर जाकर ये फॉर्म रहेगी 100%. इसका तो पूरा का पूरा आपका अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप डीप्रोटोनेट हो चुका है. ये तो फॉर्म रहेगी नहीं, ये फॉर्म जीरो है. अब ये फॉर्म ही है एक पर्टिकुलर पीएच पर. मान लीजिए पीएच 5 के आसपास आने पर ये फॉर्म 100% आ रही है. इसके आगे पीएच 6, 7 या 8 के आसपास जाएंगे तो हम पीएच 7 से आगे जाए तो अब इसका डीप्रोटोनेशन स्टार्ट होगा. कौन डीप्रोटोनेट होगा? अब जो और कम एसिडिक था ये डीप्रोटोनेट होना स्टार्ट करेगा क्योंकि अल्फा अमीनो ग्रुप इज मोर एसिडिक देन द इप्सिलॉन अमीनो ग्रुप. अभी तो इप्सिलॉन अमीनो ग्रुप डीप्रोटोनेट नहीं हो रहा है, प्रोटॉन देने का काम कौन कर रहा है? अब कर रहा है अल्फा अमीनो ग्रुप. अल्फा अमीनो ग्रुप डीप्रोटोनेट हो चुका है. कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो ऑलरेडी डीप्रोटोनेट हो चुका था. अब 9.6 हमने पीएच किया तो ये हुई फॉर्म 50%, ये हुई फॉर्म 50%. ओके तो मुझे आप बता सकते हैं कि पीएच 9.6 पर क्या चार्ज है?
इस पर चार्ज क्या रहेगा, नेट चार्ज सॉल्यूशन पर? तो ये कोई सॉल्यूशन है लाइसिन का जो 9.6 पर है, तो इस सॉल्यूशन पर नेट चार्ज क्या रहेगा? एक अमीनो एसिड पर पूछा नहीं जा रहा है, नेट सॉल्यूशन पर नेट चार्ज पूछा जा रहा है। तो बस याद रखना कि ये 50% फॉर्म है और ये फॉर्म 50% है। इस पर चार्ज है प्लस वन और इस पर चार्ज क्या आ रहा है? जीरो। पर चार्ज जीरो मीन्स 9.6 पर इन दोनों की एवरेज चार्ज आएगी ना, दोनों की एवरेज क्या आ रही है? प्लस 0.5। तो 9.6 तक इस पर चार्ज पॉजिटिव ही है। कोई भी लाइसिन अमीनो एसिड इवन 9.6 पीएच करने पर भी नेट चार्ज क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है प्रोटीन पर? नेट चार्ज पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर सकता है। इसके आगे पीएच हम बढ़ाए, हमने पीएच 10 किया तो 10 करने पर और 10.5 करने पर, अराउंड 10 के आसपास करने पर ये तो 100% फॉर्म आ गई 10 करने पर पीएच। और उसके बाद हमने 10.5 किया तो ये फॉर्म आ रही है, ये तो फॉर्म अब अल्फा अमीनो ग्रुप तो पूरा का पूरा डीप्रोटोनेट हो चुका है। अब 10.5 पर डीप्रोटोनेशन किसका होगा? इप्सिलॉन अमीनो ग्रुप, ठीक है। सो दिस इज द पीएच एट 10.5, दिस इज द कंडीशन। ये हुई 50% फॉर्म, ये हुई 50% फॉर्म। अब 10.5 पर जाकर इस पर चार्ज क्या आ रहा है? ये पूरे 100% फॉर्म रहती है तो इस पर चार्ज आता माइनस में, और इस पर चार्ज क्या आ रहा है? प्लस वन ही है ना चार्ज पर, सॉरी इस पर चार्ज क्या है? जीरो चार्ज, पर चार्ज जीरो है। तो 10.5 पर नेट चार्ज क्या होगा? माइनस 0.5, क्योंकि दोनों की एवरेज आएगी। इसके आगे जाएंगे तो माइनस 0.7, माइनस 0.8, माइनस 0.9, 1, माइनस 1 के आसपास चार्ज आ सकता है। इसके आगे पीएच बढ़ाएंगे तो दिस इज द टाइट्रेशन कर्व। ओके, तो टाइट्रेशन कर्व से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किस पीएच पर क्या चार्ज आता है, कौन सा ग्रुप कितना एसिडिक है, कौन सा ग्रुप कितना बेसिक है। थर्ड थिंग, कौन से रीजन में बफरिंग की जाती है, क्योंकि पीकेए के आसपास ही बफरिंग की जाती है। तो दिस इन्फॉर्मेशन वी डिस्कस यस्टरडे। मूविंग टू द नेक्स्ट बेसिक अमीनो एसिड आर्जिनिन। आर्जिनिन एक इसेंशियल, हम कह सकते हैं इसेंशियल, बट एक्चुअली इट इज अ सेमी इसेंशियल मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड, जिसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से ड्रॉ किया जाता है, जिसके साइड चेन में यूनिक फंक्शनल ग्रुप है, जिसका नाम है गोनिडिनो ग्रुप। और गोनिडिनो ग्रुप डेल्टा कार्बन के साथ अटैच्ड होता है। ठीक है, या इस तरह से ना ड्रॉ कर प्रकार से भी ड्रॉ किया जाता है इस गोनिडिनो ग्रुप को, प्रकार से एक रेजोनेटिंग डबल बॉन्ड भी दिया जाता है। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एस, इस ग्रुप को हम कह रहे हैं गोनिडिनो ग्रुप। इसके साथ अटैच्ड है अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा कार्बन के साथ। ठीक है, यहाँ पर जो गोनिडिनो ग्रुप है ये सबसे बेसिक ग्रुप है, सबसे ज़्यादा बेसिक ग्रुप है, और आर्जिनिन दैट्स व्हाई इट इज हाईली बेसिक और मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड। ओके, आर्जिनिन का 3-लेटर कोड ARG और सिंगल लेटर कोड R है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन के दौरान R पर ज़्यादा स्ट्रेस होता है। आर्जिनिन में 3 डिसोसिएबल ग्रुप्स है। पीके वैल्यूज अल्फा अमीनो ग्रुप की देखें तो ये भी 9.5 के आसपास है। अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप की पीके वैल्यू होती है अराउंड 2.3 के आसपास, और डेल्टा गोनिडिनो ग्रुप इसकी पीके वैल्यू देखें तो ये 12.5 के आसपास। तो आर्जिनिन की साइड चेन सबसे ज़्यादा बेसिक होती है, क्योंकि ये सबसे लेट पीएच पर प्रोटॉन देना स्टार्ट करता है। 12.5 पीएच करने पर 50% डिसोसिएट हो रहा है। ओके, हाईली बेसिक फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? तो गोनिडिनो ग्रुप है। ये भी फिजियोलॉजिकल पीएच के रेंज में बिल्कुल बफरिंग नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके पास इस प्रकार का फंक्शनल ग्रुप नहीं है। आर्जिनिन
का जो गोनेडिनो ग्रुप है, यहाँ से इतना पार्ट रिमूव हो सकता है, आर्जिनिन रिलीज सच काइंड ऑफ कंपाउंड फ्रॉम दिस गोनेडिनो ग्रुप, दो नाइट्रोजन या अमीनो ग्रुप और एक कार्बन ग्रुप कंटेनिंग, कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग एक कंपाउंड रिलीज होता है जिसका नाम होता है यूरिया। ये कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है, गोनेडिनो से। तो आर्जिनिन कैन बी कन्वर्ट इनटू यूरिया, आर्जिनिन को यूरिया में कन्वर्ट किया जा सकता है। आर्जिनिन इसके अलावा इट एक्ट एज अ प्रीकर्सर फॉर नाइट्रिक ऑक्साइड जो गैसियस हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, आर्जिनिन इज अ सेमी इसेंशियल फॉर अस, क्योंकि यूरिया साइकिल के दौरान हम कुछ हद तक आर्जिनिन बना लेते हैं लेकिन उतना सफिशियंट होता नहीं है। आर्जिनिन कैन बी सिंथेसाइज बाय अस इन द यूरिया साइकिल बट दिस इज नॉट डायरेक्टली यूटिलाइज इन द मेटाबॉलिज्म, इट इज अ इंटरमीडिएट। यूरिया साइकिल में बनाया जा सकता है लेकिन इसे यूज नहीं किया जा सकता, इट इज अ सेमी इसेंशियल। पूरा नहीं बना पाते तो हम इसेंशियल कहते हैं, पूरा बनाकर यूज करते तो हम इसेंशियल नॉन इसेंशियल कह देते हैं, बट ये बनाया जा रहा है लेकिन यूज नहीं किया जा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अ सेमी इसेंशियल। आर्जिनिन इज अ मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड, और जिस प्रोटीन में आर्जिनिन बहुत ज़्यादा होता है वह प्रोटीन हाईली बेसिक होता है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग प्रोटीन होता है। इवन लाइसिन जिस प्रोटीन में होता है, हमने कहा कि पॉजिटिव चार्ज कॉन्ट्रीब्यूट करता है पी एस सेवन, बट उससे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज कॉन्ट्रीब्यूट करने का काम किसका है फिर? आर्जिनिन का। ओके, जैसे लाइसिन और आर्जिनिन रिच प्रोटीन को हमने कहा था बेसिक प्रोटीन, एक एग्जांपल बेसिक प्रोटीन का, लाइसिन रिच प्रोटीन में आपको ऐड करना है हिस्टोन, हिस्टोन इज द बेसिक प्रोटीन जिसमें लाइसिन बहुत ज़्यादा होता है, लाइसिन बहुत ज़्यादा है आर्जिनिन के कंपेयर, फिर भी बेसिक अमीनो एसिड ज़्यादा होने के कारण उसे हम क्या कह रहे थे, हिस्टोन को बेसिक प्रोटीन। बट कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जिनमें आर्जिनिन अराउंड 80% होता है, प्रोटामीन, प्रोटामीन इज एन अल्टरनेटिव टू द हिस्टोन, ये 80% के आसपास तो इसमें आर्जिनिन ही होता है, बाकी अमीनो एसिड बहुत कम होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज हाईली बेसिक प्रोटीन। नेचर में सबसे ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन कौन सा होगा या सबसे बेसिक प्रोटीन कौन सा होगा? तो प्रोटामीन होता है। हम आगे डिस्कस करेंगे हिस्टोन क्या काम क्या है, आपने पढ़ा होगा हिस्टोन कहाँ पर है, हिस्टोन कई के लिए यूज किए जाते हैं, जीनोम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, न्यूक्लिक एसिड या डीएनए को ऑर्गेनाइज कर रखने के लिए, न्यूक्लियोसोम के फॉर्म में रखने के लिए। डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है, हिस्टोन पॉजिटिव चार्ज होते हैं, दैट्स व्हाई दे कैन बी रैप्ड अराउंड द हिस्टोन। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा डीएनए उसके उतना ज़्यादा कॉम्पैक्टली एसोसिएट हो सकता है प्रोटीन्स के साथ। मुझे आप बता सकते हैं हिस्टोन के साथ डीएनए ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा क्या प्रोटामिन के साथ? प्रोटामिन के साथ, क्योंकि प्रोटामिन ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज वाले। मेनली जहाँ पर डीएनए को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेस करने की ज़रूरत होती है, कॉम्पैक्ट करने की ज़रूरत होती है, वहाँ पर प्रोटामिन यूज़ किए जाते हैं इंस्टेड हिस्टोन। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में हम डिस्कस करेंगे, स्पर्म फॉर्मेशन के दौरान मेनली स्पर्म हेड में न्यूक्लिक एसिड को फिट करने के लिए कम स्पेस में ज़्यादा डीएनए फिट करना है तो ज़्यादा कॉम्प्रेस करना पड़ेगा, वहाँ पर हिस्टोन निकाले जाते हैं और प्रोटामिन ऐड किए जाते हैं। तो प्रोटामिन्स दे आर प्रेजेंट इन द स्पर्म हेड फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, दे कैरी हाई अमाउंट ऑफ आर्जिनिन। आर्जिनिन ज़्यादा हो या लाइसिन ज़्यादा हो, प्रोटीन पर चार्ज आ रहा है बेसिक या पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। वापस आर्जिनिन जिसमें ज़्यादा है वह भी प्रोटीन किसकी ओर माइग्रेट करेगा? एट पी एस सेवन कैथोड की ओर, जो कि एक निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द लास्ट अमीनो एसिड हिस्टिडीन। हिस्टिडीन एक इसेंशियल वीक बेसिक अमीनो एसिड है जिसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से ड्रॉ किया जाता है एट पीएच 7। ये तो एलानिन का स्ट्रक्चर है, इसके साथ बस एक इमिडाजोल रिंग अटैच करनी है, इमिडाजोल रिंग
इस प्रकार से अटैच की जा सकती। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टोन, सॉरी हिस्टडीन, जिसे थ्री लेटर कोड एच आई एस और सिंगल लेटर कोड एच से डेसिग्नेट किया जाता है। हिस्टडीन के साइड चेन में इमिडाजोल रिंग होती है। दिस इज द रिंग नोन एज इमिडाजोल रिंग। इस प्रकार की रिंग हम आगे डिस्कस करेंगे प्यूरिन बेसिस में भी होती है। प्यूरिन जैसे एडेनिन हो, ग्वानिन हो, हाइपोजैंथिन हो, जैंथिन हो, इन प्रकार के प्यूरिन बेसिस हिस्टिडीन में जो इमिडाजोल रिंग होती है उसी प्रकार की इमिडाजोल रिंग होती है। तो प्रोबेबली हम कह सकते हैं कि हिस्टिडीन बायोसिंथेसिस और प्यूरिन बायोसिंथेसिस पाथवे लगभग सिमिलर होगा। तो प्यूरिन बायोसिंथेसिस का पाथवे किससे ज़्यादा सिमिलरिटी शो करता है, किस अमीनो एसिड के साथ सिमिलरिटी शो करता है? प्यूरिन के साथ, कि दोनों में सेम कॉमन रिंग आ रही है। इमिडाजोल रिंग होने के कारण हम इसे बना नहीं पाते हैं। इट इज इसेंशियल फॉर अस, इट इज वेरी वीक बेस, और यूनिकनेस है इसमें किस प्रकार की रिंग है, इमिडाजोल रिंग। हिस्टिडीन के पास भी थ्री डिसोसिएबल ग्रुप्स हैं, अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप जिसका पीके 2.8 के आसपास, अल्फा अमीनो ग्रुप जिसका पीके 9.7 के आसपास, और आर साइड चेन इमिडाजोल ग्रुप जिसका पीके होता है 6.2 के आसपास, का पीके 6.2 या 6.3 के आसपास होता है, ठीक है। तो इसके पीके तीन है, तो तीन अलग अलग पीएच रेंज में ये काम कर सकता है बफर के तौर पर, 1.8 से लेकर 3.8, 8.7 से लेकर 10.7। बट प्रोटीन में जब होंगे तो ये ग्रुप तो कुछ काम के नहीं है, क्योंकि ये ग्रुप फ्री होते नहीं है। प्रोटीन में हिस्टिडीन आएगा तो कौन सा ग्रुप फ्री होगा, इमिडाजोल। तो ये कौन सी रेंज में बफरिंग कर सकता है, 5.2 से लेकर, इट इज अ गुड बफर इज एट फिजियोलॉजिकल पीएच। अब तक जितने भी अमीनो एसिड हमने डिस्कस किए सभी में एक ही अमीनो एसिड ऐसा मिला जो कि फिजियोलॉजिकल पीएच की बफरिंग रेंज मेंटेन रख सकता है, ऑप्टिमम पीएच मेंटेन रख सकता है एट पीएच 7। पीएच 7 मेंटेन रखने का काम हिस्टिडीन करता है, ठीक है। तो हिस्टिडीन के पास इमिडाजोल रिंग होती है और इट इज द ओनली अमीनो एसिड विच इज एक्चुअली शोइंग और इट इज मेंटेनिंग द बफर पीएच ऑफ बफर इन द रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल पीएच दैट इज 7। ऐसा अकेला अमीनो एसिड है जो फिजियोलॉजिकल पीएच को मेंटेन रखने का काम करेगा। और हमें पता है मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स का ऑप्टिमम पीएच 7 के आसपास ही होता है। तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम के एक्टिव साइट पर बफरिंग का काम करने का काम किसे दिया हो गया होगा, नेचुरली हिस्टिडीन को। तो ज्यादातर एंजाइम के एक्टिव साइट पर हिस्टिडीन पाया जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द एंजाइम का पीएच ऑप्टिमा 7 के आसपास होता है। और एसिडिक होगा तो कौन पाए जाएंगे, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। बेसिक होगा पीएच ऑप्टिमा तो कौन पाए जाएंगे, लाइसिन, आर्जिनिन। दिस इज द कंक्लूजन, एंजाइम का पीएच ऑप्टिमा किस रेंज में होगा ये हम इस प्रकार से डिटरमाइन कर सकते हैं। बेस का मतलब क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन का पीएच क्या होना चाहिए, मोर देन 7। बेस मीन्स जो इजीली प्रोटॉन ना दे। पीएच 7 से पहले कौन प्रोटॉन डोनेट करते हैं, एसिड्स, बराबर। और पीएच 7 के आगे जाने पर प्रोटॉन डोनेट करने का काम बेस का होता है। बट यहां पर आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, पीके वैल्यू। इसका मतलब हम कह रहे हैं हिस्टिडीन इज बेस, नाम के लिए हिस्टिडीन इज बेस, बट एक्चुअली ये 50% तो डीप्रोटोनेट हो रहा है कब, किस पीएच पर, 6.2 पर। एटलीस्ट ये बेस है, बेस का काम क्या होता है, 7 के आगे जाकर प्रोटॉन दे दे, लेकिन 50% डिसोसिएट हो रहा है। इसका मतलब हम इसे स्ट्रांग बेस नहीं कह सकते, ऐसा बेस जो पीएच 7 आने से पहले प्रोटॉन दे दे। दिस इज नॉट एक्चुअल बेस बट इट इज वेरी वीक बेस, हम इसे वीक बेस कह रहे हैं ना। हिस्टिडीन इज हाईली वीक बेस क्योंकि
इसकी साइड चेन डीप्रोटोनेट हो जाती है बिलो द 7 pH, 50% डीप्रोटोनेशन हो रहा है। हिस्टिडीन दो फॉर्म में पाया जाएगा नेचर में, हिस्टिडीन के दो फॉर्म है, एक प्रोटोनेटेड फॉर्म, प्रोटोनेटेड फॉर्म में हम यहाँ पर NH प्लस लिख रहे हैं ना, दिस इज द प्रोटोनेटेड फॉर्म, और इसकी डीप्रोटोनेटेड फॉर्म कैसी लिखी जाएगी, दिस इज डी प्रोटोनेटेड फॉर्म, ठीक है, दिस इज द डी प्रोटोनेटेड फॉर्म। ये जो नाइट्रोजन था यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, प्रोटॉन एसोसिएटेड था, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो दैट्स वाई इट इज डी प्रोटोनेटेड फॉर्म। तो हिस्टिडीन की डी प्रोटोनेटेड फॉर्म इस प्रकार की होती है अल्फा, सॉरी आर साइड चेन के लिए, और आर साइड चेन के लिए ये कौन सी फॉर्म है, प्रोटोनेटेड फॉर्म। और हमने कहा प्रोटोनेटेड फॉर्म इज नथिंग बट एसिड ना, और डी प्रोटोनेटेड फॉर्म इज नथिंग बट बेस या कॉन्जुगेट बेस। किस पीएच पर इसका 50% होता है और इसका 50% होता है, उसे पीके कहा गया है, दैट इज 6.2। तो 6.2 पीएच पर डी प्रोटोनेटेड फॉर्म और प्रोटोनेटेड फॉर्म कितनी रहेगी, 50-50 रहेगी। और हमने कहा था जब भी पीएच पीके से ज़्यादा होता है कौन बढ़ जाता है, कौन सी फॉर्म बढ़ती है, याद आ रहा है कुछ बफर्स में डिस्कस किया था एचएच इक्वेशन, जब भी पीएच पीके से ज़्यादा होता है तो कौन ज़्यादा होता है, बेस, मीन्स डी प्रोटोनेटेड फॉर्म ज़्यादा होती है। पीएच पीके के बराबर होने पर दोनों सेम होते हैं, और पीएच पीके से कम होने पर प्रोटोनेटेड फॉर्म ज़्यादा होती है। तो मुझे आप बता सकते हैं कि पीएच 7 पर हिस्टिडीन किस फॉर्म में ज़्यादा पाया जाएगा, कौन सी फॉर्म ज़्यादा देखी जाएगी, पीके से ज़्यादा आ रहा है ना पीएच, कौन सी पीके बोल रहे हैं हम, आर साइड चेन का पीके। तो आर साइड चेन डी प्रोटोनेटेड फॉर्म में ज़्यादा पाई जाएगी पीएच 7 पर, बराबर, डी प्रोटोनेटेड फॉर्म कितनी ज़्यादा पाई जाएगी बता सकते हैं, कितना पाया जाएगा, कैन यू कैलकुलेट। तो इसे आपको एच एच इक्वेशन लिखना पड़ेगा, पी एच इज इक्वल टू पी के प्लस लॉग ऑफ डी प्रोटोनेटेड फॉर्म टू प्रोटोनेटेड फॉर्म। पी एच क्या है, 7, मान लीजिए फिजियोलॉजिकल पी एच हम 7.2 ले लें, और पी के क्या है 6.2 लॉग। अब जब डी प्रोटोनेटेड फॉर्म है, प्रोटोनेटेड फॉर्म है, इसका रेशियो हम इस प्रकार से लिखेंगे, लॉग ऑफ डी प्रोटोनेटेड फॉर्म डिवाइडेड बाय प्रोटोनेटेड फॉर्म, 6.2 इस साइड में आएगा तो क्या रहेगा, 1। तो 1 का एंटी लॉग क्या होता है, 10, या 1 किसका लॉग होता है, 10 का प्लस 1 आ रहा है ना, तो डी कितना या डी प्रोटोनेटेड फॉर्म कितनी, 10, और प्रोटोनेटेड फॉर्म कितनी, 11, दोनों मिलकर कितने, 11, उसमें से डी प्रोटोनेटेड आपको पूछा जा रहा है कितना है, तो 10/11 इंटू 100 कितना आएगा, ये कितना आएगा, 10/11 इंटू 100 कितना आ रहा है, 99 या 90 क्या आ रहा है, कैलकुलेट करके बताओ। दिस इज द डी प्रोटोनेटेड फॉर्म, बाकी जो रहेगी प्रोटोनेटेड फॉर्म। तो इस प्रकार से आप एच एच इक्वेशन का यूज कर कर डी प्रोटोनेटेड एंड प्रोटोनेटेड फॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना आ रहा है ये डी प्रोटोनेटेड फॉर्म, 99.9 या 9.09 आता है, 9.90 आ रहा है, 9.1 अलग अलग क्यों आ रहा है आंसर, सिंपल है, दिस इज 0.9, एक बाकी रहा 0.0 और 9, तो ऑब्वियसली इट इज परसेंटेज में देखा जाए तो ये आ गया 90.09 प्रकार से आएगा, कुछ 90.9 के आसपास कुछ आ रहा है, या 91 के आसपास, 99 के आसपास, 99 नहीं 91,
बाकी अब प्रोटोनेटेड फॉर्म कितनी रहेगी? प्रोटोनेटेड फॉर्म अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9%। इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हिस्टिडीन प्रिकर्सर है एक हार्मोन का जिसका नाम है हिस्टामिन। हिस्टिडीन इज द प्रिकर्सर ऑफ अ हार्मोन हिस्टामिन। ठीक है, दिस इज अबाउट 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। इनकी इंफॉर्मेशन बार बार रटना, आपके पास दो दिन है, और क्योंकि दो दिन के बाद और एक नया सेशन स्टार्ट होगा बायोकेमिस्ट्री, जिसमें हम मोनोमर्स नहीं डिस्कस करेंगे, मोनोमर खत्म हो जाएंगे पूरे के पूरे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पॉलीमर एंड देयर स्ट्रक्चरल लेवल्स, जैसे पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स, प्रोटीन स्ट्रक्चरल लेवल, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक स्ट्रक्चर, डीएनए का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, तब जाकर मोनोमर्स की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट साबित होती है। दो दिन तक आपको पूरे के पूरे मोनोमर रटने हैं, कार्बोहाइड्रेट के, लिपिड्स या फैटी एसिड्स, उसके बाद अमीनो एसिड्स, ठीक है, उनके बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ लेना है। और ऑब्वियस ये है ना कि आप एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, तीन बार पढ़ेंगे तो याद नहीं रहेगा इतना जल्दी, बट ब्लाइंडली आपको क्या करना है, बार बार रिवाइज करते रहना है, जितना याद रहे उतना रहे, ठीक है, आखिरी तक जाते जाते पूरे के पूरे स्टेटमेंट्स याद हो जाएंगे। एक ही बार आप स्वामी हो कहना थोड़ी है, एक बार पढ़ लिया पूरे अमीनो एसिड की पूरे पूरे इंफॉर्मेशन याद रहे, ऐसा नहीं है, इसे बार बार रटना पड़ेगा। अब मेरे लिए ये अराउंड 100th टाइम होगा, ये जितने 100 बार मैंने लिखे होंगे इस तरह। बैचेस हुए अराउंड कितने बैचेस हुए, 6-7 8 बैचेस हुए 9 बैचेस हुए, सबको पढ़ा रहा हूँ, और आपके हर एक आपके साथ हर एक बार मैं ड्रॉ करता हूँ ना, कि पहले मैंने पढ़ा होगा ना, ठीक है, तो 100 बार ड्रॉ करने के बाद मुझे याद आ रहा है, तो ऑब्वियसली आपको करना तो पड़ेगा, 40-30-40 बार तो भी याद करना पड़ेगा एटलीस्ट। तो मूविंग टू द एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड तो हमने अब तक लिखे हैं, बस उनकी लिस्ट बनानी है। कौन सा अमीनो एसिड है? वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, थ्रियोनीन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलानिन, लाइसिन, मिथियोनिन और हिस्टिडीन, ठीक है। तो वी नो दैट ब्रांच चेन अमीनो एसिड वी कैन नॉट सिंथेसाइज, ब्रांच चेन अमीनो एसिड वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, थ्रियोनीन भी ब्रांच वाला है, हम नहीं बना पाते, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन भी नहीं बना पाते, लाइसिन भी नहीं बना लेते, मिथियोनिन भी नहीं लेते बना सकते हैं, हिस्टिडीन भी नहीं बना सकते हैं। एक अमीनो एसिड है जिसका नाम आर्जिनिन है, जिसे हम एसेंशियल ना कहकर सेमी एसेंशियल कहेंगे। दिस इज द लिस्ट ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ओके, जिसे रटने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन अब नेट के एग्जाम में तो नहीं आएंगे, हाँ JNU, जाम, IIT इस प्रकार के एग्जाम में प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते, ओके। हमने कीटोजेनिक, ग्लूकोजेनिक की तो लिस्ट बनाई थी इनिशियली, ग्लूकोजेनिक मीन्स ग्लूकोज बनाने वाले, कीटोजेनिक मीन्स कीटोन बॉडीज बनाने वाले, और कुछ मिक्स्ड जेनिक थे, इनकी तो लिस्ट है ना आपके पास, फंक्शंस के बारे तब हमने डिस्कस किया था। नाउ मूविंग टू आवर इम्पॉर्टेंट पार्ट, चार्ज ऑन मॉलिक्यूल, वापस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें चार्ज से रिलेटेड डिस्कस करें। चार्ज ऑन मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन द pH अराउंड इट, ये भी हमने इंट्रोड्यूस किया था लास्ट लेक्चर्स में, कि हमें पता है कोई भी अमीनो एसिड pH 7 पर किस फॉर्म में होता है, ब्यूटाइन फॉर्म में होता है, दिस इज द pH 7 एंड द नेट चार्ज इज 0, ब्यूटाइन फॉर्म में, इन जनरल हम डिस्कस कर रहे हैं। हाँ कुछ अमीनो एसिड हो सकते हैं, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन, इन पर चार्ज पॉजिटिव आ सकता है इवन एट अ pH 7, कुछ पर निगेटिव आ सकता है, बट मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड इन पर नेट चार्ज 0 होता है pH 7 पर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो हमने कहा था जैसे जैसे pH आप कम करेंगे, एज pH डिक्रीजेस, pH डिक्रीज होने पर आसपास H+ आयन्स बढ़ेंगे, H+ आयन बढ़ेंगे तो अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो डी प्रोटोनेट होता है वो प्रोटोनेट हो जाएगा, और pH बहुत कम होने पर, pH 1 के आसपास आने पर या 0 के आसपास होने पर कौन सी फॉर्म आ जाती है, प्रोटोनेटेड फॉर्म और कैटायनिक फॉर्म, जिस पर प्लस चार्ज आता है, ये तो हमने डिस्कस किया।
पीएच बढ़ा दे आसपास का, तो जो फंक्शनल ग्रुप प्रोटोनेटेड था वो डीप्रोटोनेटेड होना स्टार्ट करेगा, और एक फॉर्म आएगी जिसको एनायनिक फॉर्म, या हमने कहा था डी प्रोटोनेटेड फॉर्म। इससे हमने बस दो तीन स्टेटमेंट्स कंक्लूड किए थे। पीएच जब इंक्रीज होता है आसपास का तो चार्ज प्लस कम हो जाता है और माइनस चार्ज बढ़ जाता है। पीएच आसपास का कम होने पर अमीन एसिड के पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है और निगेटिव चार्ज कम हो जाता है। ये हमने कुछ स्टेटमेंट्स ऑलरेडी कंक्लूड कर लिए, बराबर? ये तो याद आ रहा हो ना, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था अमीनो एसिड्स पर चार्ज के आसपास के एनवायरनमेंट के पीएच पर डिपेंड होता है। नाउ मूविंग टू सम कैलकुलेशंस जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। चार्ज ऑन अ ग्लाइसिन एट पीएच वन, टेल मी द चार्ज ऑन अ ग्लाइसिन एट पीएच वन। ठीक है, चार्ज ऑन ग्लाइसिन एट पीएच वन। आपको इस प्रकार का क्वेश्चन कोई किसी ने पूछा, चलो ग्लाइसिन का सॉल्यूशन है पीएच वन सॉल्यूशन है और यहाँ पे बहुत सारे ग्लाइसिन है, तो इस सॉल्यूशन पर चार्ज क्या होगा? पीएच वन पर, पीएच वन पर चार्ज अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि हमें पता है अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का पीके, इसके लिए तो आपको पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है पीएच 7 पर, ठीक है, लेकिन अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप इस फॉर्म में भी हो सकता है ना, प्रोटोनेटेड फॉर्म में। कब होगा? जब पीएच बहुत ही कम होगा, जैसे पीएच आसपास होगा 0 के, ये फॉर्म 100% होगी। ओके, और हमने ये भी डिस्कस किया था इन जनरल अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का पीके, इसका पीके क्या था? पीके था 2.34। ये थोड़ा सा लॉजिकली याद होना चाहिए। किसी भी अमीनो एसिड का अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का पीके होता है 1.8 से लेकर 2.8 के बीच में। अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का पीके, अल्फा अमीनो ग्रुप का पीके 9.9 से लेकर 10 के बीच में होता है अप्रोक्सीमेटली। तो इस पीएच पर हम देखते हैं तो ये कितनी फॉर्म हो रही थी 50%, और ये फॉर्म कितने हैं 50%। पूरा का पूरा ये फॉर्म रह जाता तो हम कहते हैं कि प्लस वन चार्ज आता है, और पूरा ये फॉर्म होता तो हम कहते हैं जीरो चार्ज आता है। लेकिन हमें पूछा जा रहा है पीएच वन के आसपास चार्ज क्या रहेगा। हम इस पीएच पर चार्ज बता सकते हैं? अभी अभी हमने डिस्कस किया था पीके कितना आ रहा है, +0.5। 2.34 पर तो चार्ज +0.5 आ रहा है, तो उससे कम पीएच पर चार्ज पूछा जा रहा है, इसका मतलब क्या है? और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा ना, इसका मतलब चार्ज कुछ ना कुछ होगा पॉजिटिव में जो +0.5 से ज्यादा होगा। हाँ, +1 तो नहीं होगा, +1 तो नहीं होगा, 100% +1 नहीं होगा, क्योंकि 0 पीएच पर था, 1 से कम ही होगा, 0.5 से ज्यादा पॉजिटिव होगा। मीन्स अप्रोक्सीमेटली चार्ज 0.8 या 0.7 के आसपास, ये जस्ट अप्रोक्सीमेट आंसर आपको पूछा जाएगा, लॉजिक पूछा जा रहा है। एग्जैक्टली यू कैन नॉट कैलकुलेट, एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं किया जा रहा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। नाउ मूविंग टू इंपॉर्टेंट पार्ट, पी आई वैल्यूज। पी आई इज नथिंग बट इट इज अ पीएच एट विच चार्ज ऑन मॉलिक्यूल बिकम जीरो। ऐसा पीएच जहां पर मॉलिक्यूल पर चार्ज जीरो आ जाए उसे पीआई कहा जाएगा, उसे पीआई कहा जाता है, ठीक है। जनरली हम पहले तो डिस्कस कर रहे हैं उन अमीनो एसिड्स के बारे में जिनके पास ओनली टू डिसोसिएबल ग्रुप है। इसका मतलब नो डिसोसिएबल साइड चेन, जिसकी साइड चेन डिसोसिएबल नहीं है। कौन से अमीनो एसिड है जिसकी साइड चेन डिसोसिएट नहीं होती है?
सभी नॉन पोलर अमीनो एसिड, ठीक है ना, सभी नॉन पोलर अमीनो एसिड। देन और टायरोसिन, लगभग उसकी भी साइड चेन डिसोसिएट नहीं होती, ठीक है। बाकी फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन, ठीक है। तो इन अमीनो एसिड्स के लिए पीआई कैसे कैलकुलेट करें? पीआई प्रैक्टिकली तो आपको कैलकुलेट करना होता है बाय यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड एज आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग। हम आगे डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकली आपको किसी अननोन मॉलिक्यूल का पीआई कैलकुलेट करना है तो आपको कौन सी टेक्निक यूज करनी पड़ेगी? आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग। हम आगे आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग में डिस्कस करेंगे। आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग में क्या किया जाता है? एक जेल बनाया जाता है जो ग्रेडियंट पीएच वाला होता है, 0 से लेकर पीएच 14 तक का एक जेल बनाया जाता है। इस एरिया में 0 पीएच वाला जेल है, इस एरिया में 1 पीएच वाला है, इस एरिया में 2 पीएच वाला है, 3 पीएच वाला है, 4 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। कहाँ तक? जेल में ही पीएच का ग्रेडियंट बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर कोई सैंपल आप लोड करें, कम पीएच पर सैंपल लोड करेंगे तो कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी कंपाउंड हो, उसको 0 पीएच पर रखेंगे तो चार्ज क्या आने वाला है? पॉजिटिव चार्ज ही आएगा ना। कम पीएच पर रखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज ही आएगा, और आप 14 पीएच पर रखें किसी भी कंपाउंड को तो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर इस पर चार्ज होगा पॉजिटिव, कोई भी कंपाउंड ले लो आप, 0 पीएच पर उस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव इफ इट इज हैविंग सम डिसोसिएबल ग्रुप। इवन ग्लाइसिन पर भी +1 चार्ज था, ओके। हमें पता नहीं ग्लाइसिन का पीआई क्या है, वी डोंट नो, प्रैक्टिकली हमें कैलकुलेट करना है। तो हमने यहाँ पर लोड किया ग्लाइसिन, इनिशियली चार्ज क्या था? प्लस। इस साइड में कौन सा इलेक्ट्रोड रखेंगे? इस साइड में कौन सा इलेक्ट्रोड रखेंगे? कैथोड, क्योंकि इसी और माइग्रेट करना पड़ेगा ना इस ओर। अब यह मूव होना स्टार्ट हुआ ग्लाइसिन, पहले तो गया पीएच 1 के एरिया में, उस पर भी चार्ज पॉजिटिव था। उसके बाद गया पीएच 2 के एरिया में, तभी भी चार्ज ग्लाइसिन, ज्यादातर ग्लाइसिन का पॉजिटिव ही था। इस प्रकार से मूव होते 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 अराउंड पीएच 5.9 के आसपास आया, और इस यहाँ पर आकर ग्लाइसिन रुक गया। उसके बाद वो मूव ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान मॉलिक्यूल तब तक ही मूव होता है जब तक उस पर कुछ ना कुछ चार्ज हो। यहाँ पर जाकर आप कितने दिन तक भी आप इलेक्ट्रोफोरेसिस करते रहे, मूवमेंट नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि इस पर चार्ज क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो हमने कहा कि एक्चुअली 5 और 6 के आसपास, मीन्स 5.9 पर जाकर ग्लाइसिन पर चार्ज 0 आता है। इसका मतलब ये पीएच है जहां पर ग्लाइसिन पर चार्ज 0 आए। दिस इज द पीआई ऑफ अ ग्लाइसिन। दिस इज द प्रैक्टिकल अप्रोच। आपको प्रैक्टिकल तो करना नहीं है नेट के एग्जाम में, ओके। आईएफ तो लगाना नहीं है, आईएफ जल लगाइए, ऐसा करिए, ऐसा कोई पूछेगा नहीं। आपको करना क्या है? कैलकुलेशंस करने। तो बेसिकली जिनके पास 2 डिसोसिएबल ग्रुप्स होते हैं उनका पीआई वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो सिंपली उनके पीके वैल्यूज का एवरेज ले लो। पीआई इज एक्चुअली द आउटपुट ऑफ डिसोसिएबल ग्रुप्स। कौन से पीएच पर जाकर पीएच चार्ज 0 होगा डिपेंड है डिसोसिएबल ग्रुप्स। तो पीआई फॉर सच अमीनो एसिड इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग पीके ऑफ अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप प्लस पीके ऑफ अल्फा अमीनो ग्रुप डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला यू हैव टू यूज टू कैलकुलेट द पीआई ऑफ ग्लाइसिन। इफ अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप पीके इज 2.34, अल्फा अमीनो ग्रुप पीके इज 9.6, तो उसका पीआई क्या आएगा? सिंपल है, दोनों के एवरेज लेना है। 2.34 प्लस 9.6 डिवाइडेड बाय 2, क्या आ रहा है पीआई? क्या आ रहा है दोनों का मिलाकर? 5.96, तो अप्रोक्सीमेटली 5.96 आ रहा है, बराबर। तो वी कैन अप्रोक्सीमेट इट 36। तो अप्रोक्सीमेटली पीआई ऑफ अ ग्लाइसिन मींस क्या है? पीआई क्या है? ऐसा पीएच पर चार्ज, पूरा का पूरा ग्लाइसिन पर चार्ज 0 आ जाए, इलेक्ट्रोफोरेटिक फील्ड में वो मूव होना बंद करे, एक ही जगह पर रुके, ठीक है। तो पीआई फॉर ग्लाइसिन। एलानिन का पीआई कैलकुलेट करें। एलानिन अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप, अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप
पीके है 2.7 और अल्फा अमीनो ग्रुप का पीके है 9.8। तो व्हाट इज द पीआई ऑफ एलेनिन? 6.4, 6.2। तो इस प्रकार से क्या किया जा रहा है, जो डिसोसिएबल ग्रुप्स होते हैं उनके पीके की एवरेज ली जा रही है, बराबर। तो बेसिकली चार्ज डिपेंड्स ऑन द डिसोसिएबल ग्रुप्स एंड दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द एवरेज ऑफ पीके वैल्यू। तो ओवरऑल ये तो समझ में आ रहा है ना, पीके पर डिपेंड होता है पीआई, पीके पर डिपेंड होता है। नाउ कैलकुलेटिंग द पीआई फॉर दोज अमीनो एसिड विच आर एसिडिक एंड बेसिक। अब एसिडिक बेसिक अमीनो एसिड के पीआई कैसे कैलकुलेट करें, कुछ लॉजिकल चीजें पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला डिजाइन करेंगे, ठीक है। पहले एसिडिक अमीनो एसिड डिस्कस करेंगे। कोई भी एक एसिडिक अमीनो एसिड ले लो जिसका स्ट्रक्चर हमें पता है, एस्पार्टिक एसिड, ये जो है pH 7 है, सभी का स्ट्रक्चर है ना, pH 7 पर स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है। क्या चार्ज आ रहा है? -1। समझ में आ रहा है ना क्या है? तो -1 विल बी द चार्ज एट pH 7। पीआई क्या है? पीआई क्या है? ऐसा पीएच जहां पर चार्ज क्या हो जाए, जीरो हो जाए, चार्ज जीरो हो जाए, ठीक है। तो आपको -1 को जीरो करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसमें ऐड करना पड़ेगा +1। प्लस ऐड करना है ना, प्लस ऐड करना है मीन्स प्लस चार्ज करना है इसका। -1 को जीरो करना है तो माइनस चार्ज कम करना पड़ेगा, और कौन सा चार्ज बढ़ाना पड़ेगा, प्लस चार्ज। कैसे बढ़ाया जा सकता है प्लस चार्ज? व्हाट कैन बी डन? आसपास का पीएच क्या करना पड़ेगा तब जाकर इस पर चार्ज जीरो आए, या माइनस चार्ज कम करने के लिए और प्लस चार्ज बढ़ाने के लिए करना क्या पड़ता है, पीएच कम करना पड़ता है। ये तो लॉजिक पता है ना हमें, और हम आगे डिस्कस करेंगे पीएच इफ इट चेंजेस बाई 1 यूनिट चार्ज चेंजेस बाय 1 यूनिट। एक यूनिट से पीएच वैरी करेंगे तो चार्ज भी एक यूनिट से चेंज हो जाएगा, बढ़ेगा या कम हो जाएगा, डिपेंड है ना किस प्रकार से चेंज कर रहे हैं आप। मुझे बता सकते हैं पीएच 7 पर ये स्ट्रक्चर है तो पीएच सेवन पर -1 चार्ज था, हमने एक स्टेटमेंट लिखा है पीएच इफ इट चेंजेस बाय 1 यूनिट चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल चेंजेस बाय 1 यूनिट। पीएच कम होने पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है। एक यूनिट से हमने पीएच कम किया ना, तो कितने यूनिट से पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा या निगेटिव चार्ज कितने यूनिट से कम होगा, एक यूनिट से। तो इस पीएच पर चार्ज क्या होगा फिर, जीरो। तो एस्पार्टिक एसिड पर चार्ज क्या आ रहा है, जीरो। तो ओवरऑल मुझे ये बताना है एसिडिक अमीनो एसिड पर चार्ज पीएच 7 पर माइनस होता है तो उसका पीआई ऑब्टेन करना है या उसका चार्ज जीरो लाना है तो पीएच क्या करना पड़ेगा, कम। तो इससे कंक्लूजन क्या है, एसिडिक अमीनो एसिड का पीआई, एसिडिक अमीनो एसिड का पीआई लेस देन 7 ही आएगा, उससे ज्यादा कभी आएगा नहीं, उससे ज्यादा कभी आएगा नहीं। नेक्स्ट, बेसिक अमीनो एसिड, कोई भी एक बेसिक अमीनो एसिड ले ले pH 7 पर, मान लीजिए ये लाइसिन है, दिस इज द लाइसिन, वी नो दैट एट pH 7 लाइसिन कैरी व्हाट काइंड ऑफ चार्ज, +1 चार्ज। इस पर चार्ज जीरो करना है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस चार्ज कम करना है ना एक यूनिट से, तो इसका पीएच क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट से बढ़ाना पड़ेगा ताकि इस पर माइनस चार्ज आ जाए या जीरो चार्ज हो जाए। एक यूनिट से पीएच बढ़ाएंगे तो एक यूनिट से माइनस चार्ज बढ़ेगा या एक यूनिट से प्लस चार्ज कम होगा। एक यूनिट से माइनस बढ़ रहा है मीन्स इस पर माइनस ऐड कर कर देखे क्या आ रहा है, जीरो। तो पीएच 8 पर अप्रोक्सीमेटली इस पर चार्ज क्या आएगा, लाइसिन पर
आर्जिनिन देखिए या हिस्टिडिन देखिए, बेसिक अमीनो एसिड का पीआई हमेशा 7 से ज्यादा ही होता है, क्योंकि उन पर pH 7 पर चार्ज पॉजिटिव आता है, तो उनका पीआई 0 लाने के लिए, या चार्ज 0 लाने के लिए pH हमें 7 से ज्यादा करना ही पड़ेगा। तो बेसिक अमीनो एसिड का पीआई मोर देन 7 होता है, दिस इज द कंक्लूजन। ये दो कंक्लूजन याद रखकर हम कोई फॉर्मूला यहाँ पर डिजाइन कर रहे हैं एसिडिक अमीनो एसिड। फॉर एसिडिक अमीनो एसिड पीआई आपको कैलकुलेट करना है इनके लिए, एसिडिक अमीनो एसिड के लिए पीआई कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला यूज करना है पीके ऑफ अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्लस पीके ऑफ आर साइड चेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द फॉर्मूला। दोनों एसिडिक ग्रुप के पीके का एवरेज ले लो, जो भी एसिडिक ग्रुप होते हैं उनके पीके का एवरेज लेकर जो भी आएगा वो पीआई रहेगा। बेसिक अमीनो एसिड के लिए फॉर्मूला डिजाइन कर सकते हैं आप। बेसिक अमीनो एसिड के लिए पीआई का फॉर्मूला क्या रहेगा? पीके ऑफ अल्फा अमीनो ग्रुप प्लस पीके ऑफ आर साइड चेन अमीनो ग्रुप डिवाइडेड बाय, मीन्स बेसिक अमीनो एसिड का आपको पीआई कैलकुलेट करना है, तो दोनों बेसिक ग्रुप का पीके का एवरेज ले लो। एसिडिक अमीनो एसिड का पीके कैलकुलेट करना है, तो दोनों एसिडिक ग्रुप के पीके का एवरेज ले लो। और नॉर्मल किसी अमीनो एसिड का पीआई निकालना है, तो एक एसिडिक ग्रुप का और एक बेसिक ग्रुप, क्लियर है? तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं एसिडिक एस्पार्टिक एसिड का पीआई। एस्पार्टिक एसिड का अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का पीके है कुछ 3.4, सॉरी 2.4, और आर साइड चेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप का पीके है 3.9। अमीनो ग्रुप का भी दिया गया है, जिसकी जरूरत नहीं है लेकिन दिया गया है, देना जरूरी नहीं है, तो इसका है 3.9.5। व्हाट इज द पीआई ऑफ एस्पार्टिक एसिड? पीआई निकालना है तो इसकी और इसकी एवरेज लेना है ना, एसिडिक ग्रुप की ही एवरेज लेनी पड़ेगी। 2.4 प्लस 3.9 दैट इज 6.3, बराबर 6.3 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 3.15। मीन्स पीआई क्या आ रहा है एस्पार्टिक एसिड का? 3.15। कैन यू कैलकुलेट इट फॉर ग्लूटामिक एसिड? ये है ग्लूटामिक एसिड, ये चार्ट दिया गया है आपको। तो आर साइड चेन यहां पर है, अल्फा अमीनो ग्रुप यहां पर है, और अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहां पर है। तो ग्लूटामिक एसिड के लिए अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का पीके क्या है? 2.19। अल्फा अमीनो ग्रुप का पीके क्या है? 9.67। और अल्फा सॉरी आर साइड चेन का पीके क्या है? 4.2। कैन यू कैलकुलेट द पीआई? वापस एसिडिक अमीनो एसिड है ना, एसिडिक अमीनो एसिड है ना, तो क्या करना पड़ेगा? पीके किनके पीके की एवरेज लेनी पड़ेगी? एसिडिक ग्रुप, ये याद रहेगा ना, सिंपल है। एसिडिक अमीनो एसिड के लिए एसिडिक ग्रुप की पीके की एवरेज ले लो, बेसिक अमीनो एसिड के लिए बेसिक ग्रुप के एवरेज ले लो। क्या आ रहा है? 3.22, ठीक है। और लाइसिन की कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइसिन की, ये देखिए लाइसिन, लाइसिन का अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का पीके है 2.18, अल्फा अमीनो ग्रुप का है 8.95, और आर साइड चेन अमीनो ग्रुप का है 10.53। यूज कर कर कैलकुलेट, कितना आ रहा है? 9.75, 74।
9.74 इज द पीआई। सबसे ज्यादा पीआई किसका आना चाहिए लॉजिकली, सबसे ज्यादा पीआई वैल्यू किसकी आनी चाहिए, मोस्ट बेसिक एमिनो एसिड कौन है वो, आर्जिनिन। जस्ट ऑब्जर्व कर कर देखे चार्ट को, इस सबसे ज्यादा पीआई, पीआई वैल्यू दिए गए हैं, सबसे ज्यादा पीआई इसका है, कौन है ये, आर्जिनिन। ओके तो आर्जिनिन इज हैविंग मैक्सिमम और हाईएस्ट पीआई वैल्यू क्योंकि उसके अल्फा साइड, अल्फा कार्बोक्सिलिक अल्फा अमीन ग्रुप और साइड चेन अमीन ग्रुप का पीके बहुत ज्यादा होता है, जिनके पीके ज्यादा होंगे तो उनकी एवरेज भी ज्यादा आएगी। क्लियर, सिस्टीन का पीके कैलकुलेट करो, सिस्टीन का क्या लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं, देखिए आप खुद को करना है, क्या किया जा सकता है। ये कुछ चीजें दी गई है सिस्टीन के लिए, अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का पीके है, अल्फा अमीनो ग्रुप का है और आर साइड चेन का है, अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अल्फा अमीनो ग्रुप, आर साइड चेन। तो सिस्टीन का पीके, सॉरी पीआई क्या आएगा और करना क्या पड़ रहा है, यहाँ पे आपको ही करना है। आंसर तो आपको दिया गया है 5.07 पीआई आना चाहिए, 5.07। तो क्या करने पर, किनकी एवरेज लेने पर पीआई सिस्टीन का निकल कर आता है, देखने पर ही पता चलेगा ना, देखने पर वैल्यू से देख के ही पता कर सकते हैं आप। देखिए अल्फा अमीनो ग्रुप है, अल्फा अमीनो ग्रुप है 10.182 और अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है 1.96। दोनों का एडिशन करें तो अप्रोक्सीमेटली 12 के आसपास जा रहा है ना, 12/2 करेंगे तो 6। इसका मतलब इन दोनों को ऐड कर एवरेज नहीं ले सकते, अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अल्फा अमीनो ग्रुप के एवरेज लेकर सिस्टीन का पीआई वैल्यू नहीं मिलेगी। सिस्टीन की पीआई वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपको पीके लेना पड़ेगा अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का प्लस पीके लेना पड़ेगा आर साइड चेन का, एवरेज लेनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर 1.96 प्लस 8.18 डिवाइडेड बाय, देख कैलकुलेट कर देख लेना क्या आ रहा आंसर। ठीक है, तो सिस्टीन के लिए याद रखना साइड चेन और एसिडिक ग्रुप, मान लीजिए साइड चेन इज एसिडिक, सिस्टीन की साइड चेन एसिडिक होती है हाइपोथेटिकली, एक्चुअल नहीं है लेकिन हाइपोथेटिकली मान लीजिए एसिडिक अमीनो एसिड के लिए एसिडिक एसिडिक ग्रुप की पीके वैल्यू की एवरेज लेनी है। कितना आया आंसर, आ रहा है 5.07। क्लियर, तो सिस्टीन के लिए इस प्रकार से निकालना है। टायरोसिन के लिए निकाल सकते हैं, टायरोसिन के लिए वापस क्या लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा, यहां पर अब साइड चेन एसिडिक नहीं है और जब कभी डिसोसिएबल साइड चेन नहीं होती है ना, तब अल्फा अमीनो ग्रुप और अल्फा कार्बोक्सिलिक दोनों का एवरेज लेकर ही डायरेक्ट आप पीआई कैलकुलेट कर सकते हैं। इनकी दोनों की एवरेज आएगी 5.66, इसकी और इसकी एवरेज करेंगे तो 6 के आगे जाना चाहिए था, इसकी इसकी करेंगे तो 9 के आगे जाना चाहिए, 5.66 आ रहा है। इसका मतलब अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अल्फा अमीनो ग्रुप, बस सिस्टीन के लिए थोड़ा सा चेंज है, अदरवाइज बाकी के लिए कुछ रूल में चेंज नहीं आएगा सिस्टीन के लिए। हिस्टिडिन क्या है, बेसिक अमीनो एसिड है ना, तो बेसिक अमीनो एसिड के लिए फॉर्मूला क्या था, बेसिक ग्रुप की पीके और एवरेज ले लो। बेसिक ग्रुप कौन है, अल्फा अमीनो ग्रुप, आर साइड चेन कार्बोक्सिलिक, देखिए लेकर एवरेज 9.17 प्लस 6 15.17 डिवाइडेड बाय 2, 15.17 डिवाइडेड बाय 2 में 7.5 के आसपास आए। तो इसका मतलब जो हमने फॉर्मूला लिखे हैं वो सभी सही है और उसे याद रखना है, किसी बुक में फॉर्मूला दिए नहीं गए पीआई के, दिस इज बाय लुकिंग टुवर्ड द वैल्यूज, इसी प्रकार से डिजाइन किए गए हैं ये, कि वैल्यूज को देखकर डिजाइन किए गए लॉजिकली। ठीक है, कोई बताएगा नहीं इस प्रकार का फॉर्मूला यूज करो, लेकिन आपने खुद को निकालना है। दिस इज अबाउट द पीआई। अब पीआई और पीएच का क्या रिलेशन है, हमने कहा कि पीआई के बराबर का पीएच हो
तो चार्ज क्या रहेगा? जीरो। पीआई से ज्यादा वाला पीएच हो, पीआई वैल्यू मींस पीएच ही है, पीआई के बराबर का पीएच होगा सॉल्यूशन का तो चार्ज जीरो आएगा। पीआई से पीएच बढ़ा दे तो चार्ज नेगेटिव बन जाएगा ना। पीआई मींस इट इज द पीएच एट विच चार्ज बिकम जीरो, उससे ज्यादा पीएच करेंगे तो निगेटिव चार्ज आएगा, और पीआई से पीएच कम होगा तो चार्ज क्या आना चाहिए? ठीक है, पीआई से पीएच कम हो तो चार्ज आना चाहिए पॉजिटिव, और पीआई से पीएच ज्यादा हो तो चार्ज आना चाहिए निगेटिव, पीआई से पीएच बराबर हो तो चार्ज आना चाहिए जीरो। मान लीजिए मेरे पास कोई कंपाउंड एक्स है और इसका पीआई आ रहा है 7.5। ओके, मैंने इसे सॉल्यूशन में डाला 6.5 के, तो इस पर चार्ज क्या आएगा? प्रोबेबल चार्ज इज क्या आ रहा है? प्लस, एक यूनिट से कम किया था तो प्लस वन से बढ़ जाएगा ना, तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यही बताना है। मान लीजिए कोई कंपाउंड एक्स है, इसको मैंने पीएच 10.5 के सॉल्यूशन में डाल दिया, तो पीआई से ज्यादा पीएच किया जा रहा है ना, तो इस पर चार्ज क्या आ रहेगा? निगेटिव। ठीक है, ओके, तो मेरे पास कोई आमना से आरजी नहीं जिसकी पीआई वैल्यू है 9.57 क्या, लेकिन मैंने आर्जिनिन को डाल दिया पीएच 7 के सॉल्यूशन में और इसका मैं इलेक्ट्रोफोरेसिस करने लगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस भी पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस है, सेंटर में मैंने आर्जिनिन का सॉल्यूशन लोड किया है, किस पीएच का? पीएच 7 का। इस साइड में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इस साइड में निगेटिव इलेक्ट्रोड, इस साइड में मैंने कैथोड रखा है, सॉरी एनोड रखा है, और इस साइड में ये कैथोड रख दिया गया है। तो मुझे आप बता सकते हैं कि आर्जिनिन किस इलेक्ट्रोड की ओर ज़्यादा भागेगा या किस और इलेक्ट्रोड की ओर मूव होगा कैथोड की ओर? इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि पीआई था 9.5 के आसपास, उससे कम पीएच में डालने पर इस पर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, और जिस पर चार्ज खुद पर पॉजिटिव हो वह इलेक्ट्रोड किस और इलेक्ट्रोड की ओर मूव होगा? कैथोड की ओर। ऐसे डायग्राम देकर कोई एग्जाम में समझाएगा नहीं। प्रॉब्लम क्या होता है ना, यहाँ पर सभी कुछ समझ में आ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करते समय कन्फ्यूजन बढ़ जाता है, क्योंकि आपको खुद को इमेजिन करना होता है ये सब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, इस वजह से बहुत फास्टली समझ में आएगा। ठीक है, सिमिलरली ग्लाइसिन को हम पीएच 7 पर इलेक्ट्रोफोरेस करें तो ग्लाइसिन किस और ज़्यादा भागेगा? इन ब्रैकेट दिया गया है पी आई ऑफ अ ग्लाइसिन इज 6.5। ग्लाइसिन को पीएच 7 पर हम सेपरेट करना स्टार्ट करें तो किस इलेक्ट्रोड की ओर ग्लाइसिन ज्यादा मूव होगा? अब इमेजिन करो आप खुद, इसी प्रकार से पूछा जाएगा ना। ग्लाइसिन को पीएच 7 पर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हैं, पीआई है 6.5, देन टुवर्ड विच इलेक्ट्रोड इट विल मूव मोर? एनोड। एनोड क्यों? तो चार्ज आ रहा है निगेटिव, ज्यादातर ग्लाइसिन निगेटिव चार्ज होगा, इस मींस मोस्ट ऑफ द ग्लाइसिन इन एंटिटीज दे मूव टुवर्ड द सेम थिंग इज अप्लाइड फॉर द प्रोटीन। किसी प्रोटीन का पीआई है 7 और मैंने इसे पीएच 8 पर सेपरेट करना स्टार्ट किया सेंटर में लोड कर, तो ये प्रोटीन किस और माइग्रेट करेगा? पीएच 8 पर रखा है ना, समझ में आ रहा है ना क्या है ये? पीआई से ज्यादा पीएच करने पर क्या होता है, क्या हो रहा है? पीआई से ज्यादा पीएच करने पर निगेटिव चार्ज आ रहा है, पीआई के बराबर पीएच हो तो जीरो चार्ज, और पीआई से कम पीएच हो तो पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा है? और एक चीज, मॉलिक्यूल पर चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना उसकी सोलुबिलिटी होगी
सॉल्वेंट में लाइक वाटर या बफर। चार्ज ऑन मॉलिक्यूल इफ इट इज जीरो देन सोलिबिलिटी डिक्रीजेस। चार्ज ऑन मॉलिक्यूल इफ इट इज जीरो देन सोलिबिलिटी डिक्रीजेस। तो मुझे बताएं, एक प्रोटीन है जिसका पीआई है 6.8, तो मैंने इस प्रोटीन को 7.2 के सॉल्यूशन में डाला, 6.8 के सॉल्यूशन में डाला, 6.5 के सॉल्यूशन में डाला, 6.4 के सॉल्यूशन में डाला, तो किस सॉल्यूशन में प्रोटीन सबसे कम सोलुबलाइज होगा। तो हमने एक स्टेटमेंट लिखा है, जब भी सोल्यूशन मॉलिक्यूल पर चार्ज जीरो आ जाता है तब सोलुबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो इसके पीआई के बराबर के सॉल्यूशन में आप प्रोटीन को सस्पेंड कर देंगे या बफर में सस्पेंड करेंगे तो प्रोटीन सोलुबलाइज नहीं होगा, उल्टा क्या होना स्टार्ट होगा, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा। प्रेसिपिटेशन, कभी प्रोटीन आइसोलेशन किया है प्रोजेक्ट में? कभी प्रोटीन आइसोलेशन हो, एंजाइम पर किसी ने काम किया है? नहीं। सॉल्टिंग आउट एक मेथड, जैसे हमने इनिशियली डिस्कस, सॉल्ट ऐड कर कर प्रेसिपिटेट करना, बट सॉल्ट ऐड कर कर प्रेसिपिटेट करने का प्रॉब्लम ये होता है ना, उसको बाद में डायलिसिस करना पड़ता है, एक्स्ट्रा एक स्टेप करनी पड़ती है सॉल्ट निकालने के लिए प्रोटीन के पास से। तो ज़्यादातर बार प्रोटीन आइसोलेशन के दौरान पीआई के बराबर के बफर में प्रोटीन को सस्पेंड किया जाता है, ताकि क्या हो, जो हमारा एक्सपेक्टेड प्रोटीन है वो प्रेसिपिटेट हो जाए उस पर्टिकुलर पीएच पर। तो बाय यूजिंग पीआई वैल्यू वी कैन प्रेसिपिटेट द प्रोटीन, नॉट ओनली प्रोटीन बट ऑल्सो एनी अदर मॉलिक्यूल। ठीक है, प्रोटोनेटेड डीप्रोटोनेटेड फॉर्म तो हमने कैलकुलेट की है, लास्ट जो पार्ट है दैट इज एब्सॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स एज पर द पीएच वैल्यू। अगेन द लॉजिक इज सेम, हमें पता है स्टमक का जो पीएच होता है 1 से लेकर 2 के बीच में होता है, इंटेस्टाइन का पीएच होता है 7 से लेकर 8 के बीच में होता है। ओके, और स्टमक हो या इंटेस्टाइन हो, इनके लाइनिंग में इपिथेलियल सेल्स हैं। ठीक है, स्टमक हो या इंटेस्टाइन हो, इनके लाइनिंग में क्या है, इपिथेलियल सेल का क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देर इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ इपिथेलियल सेल, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वही चीजें पास हो सकती है ज्यादातर विदाउट ट्रांसपोर्टर, डायरेक्ट बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कौन ज्यादा पास हो सकता है जिस पर चार्ज जीरो हो। चार्ज एंटिटीज कैन नॉट डिफ्यूज फास्टली थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हम आगे सेल बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे। ये लॉजिक हमारे पास है। तो मेरे पास कोई एक न्यू ड्रग हमने डिजाइन किया है जिसका स्ट्रक्चर इस प्रकार का है। ओके, मान लीजिए कोई मिथाइल सैलिसिलेट है, मिथाइल सैलिसिलेट जिसे हमने नाम दिया है डिस्प्रिन या एस्प्रिन, डिस्प्रिन एस्प्रिन, कुछ ना कुछ ट्रेड नाम दे दिया हमने। ओके, एज यू आर अ साइंटिस्ट, आपको पूछा जा रहा है कि सर ये ड्रग कहाँ से ज़्यादा एब्सॉर्ब होगी, स्टमक से या इंटेस्टाइन से? मैं अभी ये टैबलेट लूँगा तो ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स ब्लड तक कहाँ से जाएंगे? ड्रग के लिए तो हमारे इंटेस्टाइन या स्टमक में ट्रांसपोर्टर तो होता नहीं है। ट्रांसपोर्टर नहीं होगा तो किस प्रोसेस से डिफ्यूज होना पड़े और किस प्रोसेस से जाना पड़ेगा ब्लड पर, ब्लड तक? डिफ्यूजन से, और डिफ्यूजन किसका होता है, जिस पर चार्ज जीरो आ जाता है। इसका मतलब ये ड्रग उस साइट से ज्यादा डिफ्यूज होगी जिस साइट पर इस ड्रग पर चार्ज क्या आ जाएगा, जीरो। ड्रग पर चार्ज जीरो आ रहा है एक पर्टिकुलर पीएच का, इसका मतलब इसके पीआई के आसपास वाला पीएच होना चाहिए आसपास। इस पर चार्ज ऑलरेडी क्या है, निगेटिव है ना। मान लीजिए दिस इज द पीएच 7, एट पीएच 7 द चार्ज इज निगेटिव, व्हाट विल बी द पीआई ऑफ दिस कंपाउंड, क्या पीआई होना चाहिए? मीन्स चार्ज जीरो आने के लिए इस पर आसपास का पीएच क्या करे, एसिडिक करना पड़ेगा ना, पीएच शुड बी लेस देन 7। पीएच जितना कम होगा उतना चार्ज कम हो जाएगा या जीरो आ जाएगा। अब इस ड्रग का एब्सॉर्प्शन कहाँ से ज्यादा होने के चांसेस है, इंटेस्टाइन में चला जाएगा तो उल्टा पीएच ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा तो एब्सॉर्ब नहीं होगा। स्टमक में आने पर पीएच क्या मिलता है आसपास, 1-2, और कम पीएच पर इस पर चार्ज क्या आ रहा है, जीरो। तो यहाँ से ये डिफ्यूज होना स्टार्ट होगा और ब्लड तक बहुत फास्ट रीच हो जाएगा, विद इन 10 मिनट्स रिलीफ मिल जाएगा, फास्ट रिलीफिंग ड्रग है,
एस्प्रिन एस्प्रिन ओके। लेकिन हमने और एक ड्रग से जानबूझकर तो हम फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं कर सकते हैं, ड्रग तो ड्रग ही होगा ना, उसका तो काम डिफ्यूज होना ही नहीं है, अंदर जाकर करना क्या है, एक पर्टिकुलर साइट पर जाकर एक्ट करना है। अभी वैक्सीन इतना डिजाइन करने को इतना टाइम क्यों लग रहा है, सिर्फ अंदर भेजना नहीं है ब्लड में, इसके एडवर्स इफेक्ट भी देखने हैं, अनवांटेडली जाकर किसी प्रोटीन को बाइंड हो रहा है, साइड इफेक्ट कितने हैं। देयर आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर है इस ड्रग का एब्सॉर्प्शन, ये PS7 पर इसका चार्ज हमने दिया है। तो इस ड्रग का एब्सॉर्प्शन ज्यादातर कहाँ से होने के चांसेस हैं? PH7 पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका PI अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आसपास का PH बढ़ाना पड़ेगा, आसपास का PH बढ़ाना है मीन्स अराउंड 8 PH के आसपास जाकर इस पर चार्ज आएगा, 0 0 चार्ज आने पर एब्सॉर्प्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में। तो कुछ ड्रग्स इंटेस्टाइन से एब्सॉर्ब हो जाती है, कुछ ड्रग्स स्टमक से एब्सॉर्ब हो जाती है। बस इसमें लॉजिक क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्या है, PI और PH का रिलेशन, PH जितना ज्यादा हो PS से PI से तो चार्ज निगेटिव आएगा, PH PI से बराबर होगा तो जीरो चार्ज आएगा, और PH PI से कम होगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। वही कंसेप्ट लग रहा है ना यहाँ पे, इस प्रकार के भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, दिस इज अबाउट द एब्सॉर्प्शन ऑफ ड्रग। आई थिंक लास्ट एग्जाम में ही इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस थे, इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस थे, एक बार देख लेना कौन से क्वेश्चंस के आंसर्स क्या आ सकते हैं। दीज आर द लॉजिकल क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली, PI PK या PH के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो चीज़ें आज तक हमने डिस्कस की है बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा लाइफ साइंस में करियर अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि फंडामेंटल्स है, फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ साइंस। आगे चलकर आप बहुत सारे पेपर्स रीड करेंगे, रिसर्च पेपर, एज अ रिसर्चर, एज अ कुछ भी करें, आगे चलकर आपको PhD करना ही है। करना ही है ना, पेपर तो रीड करना पड़ेगा। पेपर रीड करते समय आपको समझ में तो आना चाहिए क्या बोला जा रहा है पेपर में, नहीं तो एक पेपर रीड करने में आपको 2 3 दिन लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं, क्यों होता है ऐसे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा ऑथर क्या कहना चाहता है। आखिरी में पेपर पूरा रीड कर कर हुआ, ऑथर को पूछा जा रहा है कहना क्या चाहते हो। हमें नहीं समझ, दूसरी बार रीड किया, तीसरी बार रीड किया, तब जाकर कुछ समझ में आ रहा है इसने इस प्रकार का रिसर्च किया है। तो एक ही बार बेसिक 15 मिनट्स में आप 15 20 मिनट में पेपर पढ़ सकते हो, कब, जब आपका बेसिक इतना अच्छा हो, सिर्फ क्लिक हो जाए कि इसको कहना क्या है। बहुत बार कहते हैं ना समझ में आया आपको कहना क्या है, क्योंकि उतना फैमिलियर हम होते हैं। ऐसे होने के लिए बेसिक अच्छा होना चाहिए। तो दिस इज अबाउट